डिफेंस अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। ठीक है, सो आज का जो सेशन है वो है आपका एफ कैट के लिए स्पेशल सेशन। और आपको पता है रीजनिंग एफ कैट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको लगता है कि रीजनिंग हलवा है, लेकिन रीजनिंग हलवा नहीं है, क्योंकि उसको अच्छे से स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जाम टाइम पे, कि क्या लॉजिक हमारे सीरीज में लग रहा है, किस हिसाब से हम वर्ड एनालॉजी को टैकल करेंगे, किस हिसाब से हम पेयर क्लासिफिकेशन को टैकल करेंगे। तो आज की क्लास में हम इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो गाइज आपको क्या करना है, शेयर करना है सेशन को, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है आपका अपना चैनल डिफेंस अड्डा। तो ये भी बताइए आप सब कैसे हैं भाई। अभी गोपाल सर ने क्लास ली एंड बहुत बेहतरीन क्लास ली, तो भाई शेयर बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। ब्रिजे जय चौधरी, भाग्य सिंह, कुसुम सिंह, अचिंत्या कैसे हो भाई, गुड मॉर्निंग, सो भी कैसे हैं, जय चौधरी, मृणाल, ऋषभ, राहुल। तो आज के सेशन को हम बहुत खूबसूरती के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है, भाग्या शेयर करके आइए, स्नेहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ये थैंक गॉड 12 नहीं बजे, 11 ही बज रहे हैं। तो शेयर करिए सेशन को एज मच एज जितना तुम कर सकते हो उतना सेशन को शेयर एंड लाइक कीजिए। जो भी न्यू बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे उन्हें आने वाले जितने भी हमारी क्लासेस होंगी डिफेंस अड्डा पर वो आपको मिले। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हम सीधा सीधा एफ कैट की तैयारी करने लग जाते हैं। आज आपको पता है महा मैराथन है, हर एक फैकल्टी यहाँ पे आपको 2 घंटे पढ़ाएगा। तो भाई हर एक फैकल्टी के लिए, उनके जज्बे के लिए सलाम। तो भाई आदेश बाद में बात करते हैं, अभी फिलहाल शेयर कीजिए सेशन, कमेंट, लाइक अड्डा 24/7 बैंकर्स SSC टीचर स्टेट डिफेंस एंड इंजीनियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप कुछ भी परचेज करते हैं तो Y163 का कूपन कोड अप्लाई कीजिए, तो 42% या 45% का ऑफ मिलेगा। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब देखो, आप कुछ बच्चे कहेंगे मैम हिंदी एफ कैट में हिंदी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यदि किसी को हिंदी की ज़रूरत होगी तो मैं उन्हें बताऊंगी कि हिंदी के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है, इनके मीनिंग क्या है। इंग्लिश पढ़ के तो देखिए, आप लोग कहते हैं मैम राखी मैम से कह दो इंग्लिश पढ़ा दो, मैम उनसे कह दो इंग्लिश पढ़ा दो, क्या खुद से पढ़ने की कोशिश करी? अब आप इस क्वेश्चन को देख के होपलेस हो जाओगे, हिंदी नहीं है मैम, हिंदी नहीं है हिंदी। मेरे से पूछो कि बोन किसे कहते हैं, स्केलेटन किसे कहते हैं, नर्व किसे कहते हैं। हमारी क्लास में आज आप रीजनिंग के साथ साथ वो कैब भी सीखने वाले हो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ऋषभ जय ट्रोरीमोन इस क्वेश्चन का आंसर, भाग्यश्री, आदेश, सुजीत है, सुजीत 360 पे कर लो ना क्वालिटी, पुअर क्वालिटी कहाँ है, बढ़िया क्वालिटी तो है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रही है ये। सपना, रोहन, सी ऑप्शन, तो देखते हैं भाई सी ऑप्शन क्या होगा, बताओ। अच्छा मुझे ये भी बताना है किस हिसाब से आपका सी ऑप्शन होगा। देखो बच्चा, नर्व एंड बोन ये दोनों के दोनों किसके आपके पार्ट्स होते हैं, स्केलेटन के। स्केलेटन की क्या होती है, हड्डियां भी दिखती है, नर्व भी होते हैं। तो नर्व एंड बोन जो होता है वो आपके स्केलेटन का पार्ट होता है। यदि आप ये कह सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड आर बोथ आर टाइप्स ऑफ आर पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। सेम बच्चा रेटिना एंड प्यूपल, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो आपकी इन दो आंखों के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें किसको क्या समझ में नहीं आया मुझे ये बता दो। बोन पता है सबको, रेटिना पता होगा, भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ड जो आपको अंग्रेजी से हिंदी में करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। मुझे इतना पता है बोन एंड स्केलेटन, स्केलेटन हड्डियों का ढांचा, पता होगा ना स्केलेटन लटके रहते हैं, किसी भूतिया मूवी में देखी होगी ना, भूतिया मूवी स्केलेटन लटके हुए हैं, वो डर गए हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। कुसुम, भास्कर, शोकन, रवीना एंड दानश्री, इसका आंसर ऋषभ एंड समीर, कुसुम सिंह, स्नेहा खुशबू, स्नेहा खुशवा, सबको आया मैम, चलो बहुत अच्छी बात है, सबको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है, प्रीतिमा, ज्योति, और देखो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 30 या 32 क्वेश्चंस एफ कैट के एग्जाम में आपके पास पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स कैरी करता है। तो ध्यान रखना रीजनिंग आपको 90+ नंबर दिला सकती है यदि आपका एक एक क्वेश्चन सही हो।
ठीक है। सी फॉर कैट, आई यू श्योर दैट रोहन अपने अपने ऐसा करो जो आंसर गलत बताएगा ना उसके लिए एक पनिशमेंट होगी, वो अपने बारे में ना कुछ एक पॉजिटिव चीज बताएगा और कुछ नेगेटिव, ठीक है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए वो क्या कर रहा है, लेकिन आंसर गलत नहीं आने चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, मैगजीन, मैगजीन के अंदर क्या होता है, आपका स्टोरी एंड आर्टिकल दोनों होते हैं, मैगजीन के अंदर आपका स्टोरी और आर्टिकल दोनों होते हैं, तो उसी प्रकार बच्चा टी के अंदर क्या होता है, आपका मिल्क और शुगर होता है, जिस प्रकार बच्चा आपका मैगजीन के अंदर आपका स्टोरी और आर्टिकल होता है उसी प्रकार टी के अंदर मिल्क एंड शुगर होता है, जबी तो वो टी बनती है। मैगजीन कब बनता है, जब उसमें आपकी स्टोरी होंगे, कुछ गपशप होंगे, कुछ आर्टिकल्स होंगे। क्विल्ट का मतलब क्या होता है, अच्छा मुझे ये बताओ क्विल्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत बच्चे वो कैप की क्लास भी लेते होंगे, पढ़ते भी होंगे, तो किसको पता है क्विल्ट का मतलब क्या होगा, अमित आचल सुमित, और भाई कोई भी क्लास में बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, ऐसे तो टीचर भी आपको 2 घंटे की जगह 10 मिनट पढ़ा के भाग जाए, वो फर्क नहीं पड़ता ना, जब आपके लिए क्लास लगाई गई है। दिव्या धुरे, आई एम राइट, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना, एम आई राइट। माही ए, धारा, ऋषभ, समीर, नेटवर्क इशू है तो उसे सही कर लो। क्विल्ट का मतलब होता है बच्चा रजाई, क्या होता है, क्विल्ट का मतलब होता है आपका रजाई, ठीक है। यही क्वेश्चन ऐसा था जहां पे आपको क्विल्ट का मतलब नहीं पता था, लेकिन सबको पता होगा कि बाकी के टेलीविजन, न्यूज़पेपर, एंटरटेनमेंट क्या है, नोवेल, ड्रामा एंड लिटरेचर क्या है, ये सबको पता होगा, ठीक है। चलिए, लिटरेचर वैसे साहित्य होता है, यदि किसी को ना पता हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आचल तोमर, रवीना, दारा सिंह, समीर, अविनाश, ऋषभ, अनन्या, भाग्यश्री, अच्छा हम गलत कब होते हैं, भाग्यश्री मक्खन बटरिंग लगाई जा रही है, दारा सिंह इतनी बड़ी मैडम नहीं दिख रही, भाग्यश्री दिख गई तुम्हें, हेलो डियर भाग्यश्री, मैम नहीं दिखी तुम्हें कि मैम को भी हेलो कर दूं मैं, तो आप लोग तो अब खुश होंगे कि डिफेंस अड्डा पर आपकी मैम 2 घंटे क्लास ले रही है। बहुत कंप्लेंट होती थी मेरे लिए बच्चों की कि मैम आप डिफेंस अड्डा पर क्लास नहीं लेते हो, मैम डिफेंस अड्डा पर क्लास नहीं लेते हो, देखते ही थे मैं डिफेंस अड्डा पर क्लास ले रही हूँ तो कितने बच्चे क्लास में हैं, सिर्फ 48 स्टूडेंट्स, क्या आप मेरे लिए इतना ही रखते हो कि आप बस 48 स्टूडेंट आए हैं क्लास में। वैसे तो कल को किसी ने मेरे से कहा मैम डिफेंस अड्डा क्लास, देन मैं तुम्हें बताऊंगी, आते हो नहीं, वैसे बोलते रहते हो मैम डिफेंस अड्डा। अच्छा कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, कार्निवोरस का मतलब होता है आपका मांसाहारी, ठीक है। डी आंसर आ रहा है स्नेहा, रोहन, चलो देखते हैं डी हो रहा है नहीं हो रहा। कार्निवोरस का मतलब होता है बच्चा आपका मांसाहारी। एंड टाइगर और वॉल्फ इज भेड़िया, टाइगर इज चीता, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, कार्निवोरस है। और इसी हिसाब से बच्चा जो आपके बॉय और गर्ल हैं वो दोनों क्या हैं, आपके स्टूडेंट है, तो डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा भास्कर। कार्निवोरस को कोरोना वायरस मत बनाओ भाई, काहे अंग्रेजी की धज्जियां उड़ा दी तुमने भास्कर। अविनाश, अचिंत्या, रवीना, एस यादव, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर आचल तोमर, ठीक है। जो राइट आंसर आएगा, बॉय एंड गर्ल दोनों रिलेट करते हैं आपके स्टूडेंट से। अब कुछ बच्चे ए ऑप्शन दे रहे थे, तो बुद्धिहीन प्राणी ए कैसे आ जाएगा मुझे ये बता दे, क्यों फ्रूट यदि यहाँ पे होता और उसके बाद आपके मैंगो और बनाना होते, जब आप कहते कि मैम इसका आंसर ए होगा, जबकि ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है, फ्रूट पीछे चला गया। अरे ये दोनों इससे रिलेट कर रहे हैं, ना कि फ्रूट इन दोनों से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अचिंत्या थैंक यू, आपने बहुत बड़ा दर्जा दिया है मेरे को, गॉड मदर ऑफ रीजनिंग एंड थैंक्स अलॉट, मुझे बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है आज अपने ऊपर कि स्टूडेंट्स हैं डिफेंस अड्डा के, वो बहुत प्यारे हैं, पढ़ने आते हैं सीरियस तौर पर, एंड यही चैनल मेरे को ऐसा लगता है जहाँ पर आप सीरियसली तौर पर पढ़ने आते हैं, बाकी के यदि हम SSC पे लेते हैं तो वहाँ पे इधर उधर के बच्चे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, जिनको मुझे पढ़ाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। मैं तो सोच रही थी कि मैं अपनी YouTube पे क्लास ही बंद कर दूँ ऐसे, तो क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि किसी भी टीचर का दिमाग में सिंग लग जाए और उसे भेड़ने चला जाए, ऐसी होता है। चलो बच्चा, इवापोरेशन का मतलब क्या होता है, इवापोरेशन का मतलब जो होता है वो होता है आपका भाप,
भाप आती है ना, जब आपने क्या करा पानी गर्म किया तो उसमें से कुछ ऐसे 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 कुछ आता है जो दिखता नहीं है, मतलब आप अज्यूम कर सकते हो भाप निकल रही है, यदि आप हाथ लगा दोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, थैंक यू दिव्या धोरिया, थैंक यू थैंक यू थैंक्स अ लॉट। ठीक है, तो बच्चा इवेपोरेशन से क्या बनता है, भाप से क्या बनता है, क्लाउड बनता है। क्लाउड से क्या आता है, आपका रेन आती है, क्या आती है, पेप्टिव क्या आती है, बारिश आती है। तो दारा सिंह प्रीटी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो उसी प्रकार बच्चा यदि आपके एक्सीडेंट होगा तो आपको चोट लगेगी, चोट लगेगी तो आपको क्या होगा, पेन होगा, क्या होगा, पेन होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, रोहन जय चौधरी सपना, थैंक यू ऋषभ बजाज, ए ऑप्शन नहीं होगा कि छींक आई तो कफ हुआ। पहले क्या होता है, पहले खुद को कफ महसूस होता है, फिर कोल्ड होता है, फिर छींक आनी स्टार्ट होती है। छींक का जो प्रोसीजर होता है स्नीजिंग का, वो एंड में होता है आपका। ठीक है, पहले कफ होता है, कफ से फिर कोल्ड बनता है, कोल्ड के बाद छींकें आती है। तुम्हें आज छिया छी करके घूमते हो, अरे अमित वो तो काफ़ी अच्छे हैं, इंजीनियर वाले भी अच्छे हैं, बस एसएससी वाले मेरे को ऐसे लगते हैं कि जैसे उनके सींग निकल रहा है और वो अभी भेड़ने चलेंगे और मैं उनके सींगों को ऐसे तोड़ दूंगी। ठीक है, चलिए समीर, अनिकेत, विशाल, जय चौधरी, प्रीति, मयंक यादव, एंड इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन। ठीक है, जितना भी आप सेशन को शेयर करोगे उतना बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। यदि आप मेरे को कुछ गिफ्ट ही देना चाहते हो, आपकी टीचर हूँ, आप कहते हो कि मैम आप क्या लोगे, तो भाई मैं यही कहूँगी कि मेरी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ने आए एफ कैट के लिए। ठीक है, अविनाश, रोहन, स्नेहा, खुशवा, फिर कोरोना होता मैम लास्ट में। हाँ बिल्कुल स्नेहा, फीवर भी होता फिर देन कोरोना होता फिर। ठीक है, फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती। मयंक यादव, कैसे हो भाई मयंक, तुम्हारी पूरी मतलब जिंदगी खुश हो गई होगी कि सोनल मैम आ गई है क्लास लेने। सो प्रीति, देबू, रोहन, विशाल, दारा सिंह, स्नेहा, खुशवा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, डॉग, स्क्वेरल एंड टेल, बताओ। स्क्वेरल का मतलब क्या होता है बच्चा, गिलहरी होती है। डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता। ठीक है, गिलहरी, गिलहरी को कैसे लिखते हैं, गिलहरी मतलब समझ जाओ, गिलहरी होती है वो, गिलहरी नहीं होती छोटी सी अजीब सी होती है, मतलब जो ऐसी यूं पेड़ वेड़ पे चढ़ जाती है, घर में आसपास दिखने को मिलती होगी, है ना दिव्या। तो बच्चा जो स्क्वेरल है वो क्या कहते हैं, हमारी गिलहरी होती है, दोनों की क्या होती है, पूंछ होती है, क्या होती है, दोनों की पूंछ होती है। तो बताओ अब ये कैसे रिलेट करेगा, यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो ये किससे रिलेट करेगा, तो ये दोनों के दोनों बच्चा आपका ट्रक और स्कूटर से रिलेट करेगा, क्योंकि ट्रक और स्कूटर दोनों अलग अलग व्हीकल हैं, लेकिन इन दोनों में क्या हो जाता है, गेयर होता है सपना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चों के आंसर आ रहे हैं सी ऑप्शन, जय चौधरी, सपना, देबू गोस्वामी दे रही है सी ऑप्शन। तो मुझे ये बताओ सी ऑप्शन कैसे आएगा, हॉर्स, हॉर्स क्या होता है, घोड़ा, ऑक्स, ऑक्स क्या होता है, बैल, हॉर्न क्या होता है, मुझे ये बताओ हॉर्न का मतलब क्या होता है, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि स्टूडेंट्स हॉर्न का मतलब क्या होता है। बच्चा हॉर्स और ऑक्स में हॉर्न होता है, मतलब दोनों में जो कॉमन होता है वो हॉर्न होता है। हॉर्स में कभी सींग देखे हैं तुमने, मुझे ये बता दो नलायको, हॉर्स के कभी सींग देखे हैं, एसएससी अड्डा के बच्चों को दिख जाएंगे सींग, लेकिन हॉर्स के कभी सींग नहीं दिखते। अरे हॉर्स के सींग नहीं होते हैं, हॉर्न का मतलब होता है सींग, तो बच्चा हॉर्न के सींग नहीं होते हैं। अनन्या, व्हाई नॉट डी इन क्वेश्चन फोर, बच्चा डी ही तो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा डी नहीं है आपने क्वेश्चन नंबर फोर, बच्चा बट फ्लावर एंड फ्रेगनेंस। अच्छा बच्चा पहले कली, कली से फ्लावर हो, बच्चा कली से पहले भी तो कुछ चीज़ें होती है ना, सीधा कली के बाद फ्लावर नहीं होता, फ्लावर से फ्रेगनेंस होती है। क्या फ्लावर से रियलिटी में हमें है, बच्चा इसका जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका बी बनेगा। आप कह सकते हैं यदि बी आपके ऑप्शन में ना होता बिल्कुल करेक्ट आपका, तो आप कहते हैं कि डी ऑप्शन, क्योंकि बर्ड होता है आपका कली, फ्लावर आपका होता है फूल, एंड फूल से मिलती है आपको सुगंध मिलती है, क्या मिलती है, सुगंध मिलती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि डी ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट है। ठीक है, आप ये भी कह लीजिए डी ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही, क्योंकि कली के बाद फूल खिला, फूल के बाद उसमें धीमी धीमी खुशबू आई है। ठीक है, चलिए भास्कर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्नेहा बताइए, अरे स्नेहा एसएससी अड्डा से गुस्सा मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब वहाँ पे जो मैंने स्टूडेंट देखे हैं पढ़ने नहीं आते हैं, पता नहीं कौन सी हवाबाजी में, रीजनिंग को समझेंगे हलवा उन्हें परोस के चला जाए। अरे रीजनिंग अलग है भाई,
रीजनिंग को समझ पाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है यदि आप ढंग से पढ़ो तो। हाँ क्या कर दिया मयंक? अरे नहीं भाई, हमने क्या उपकार करा, आप लोगों ने हमारे ऊपर उपकार करा है भाई। स्नेहा, गरिमा, माही, देबू, विशाल, दारा सिंह, ऋषभ बजाज, वेरी गुड ऋषभ, ताली बजाती हूँ मैं आप लोगों के लिए कि आप सारे के सारे आंसर बहुत सही दे रहे हैं। और फटाफट से आचल, अमित, देबू, मयंक, दिव्या, धूरिया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। चेयर, डोर एंड स्टिक। स्टिक मतलब क्या होता है? छड़ी। क्या होता है स्टिक मतलब क्या होता है? छड़ी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। बच्चे एक तो इसको सही कर लो, ये स्टेटस नहीं है, स्टैचू है, ठीक है। अब बताओ रोहन, स्नेहा, ए ऑप्शन, आर यू श्योर दैट ए ऑप्शन है? टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, क्यों? अच्छा मुझे ये बताओ कि क्यों होगा, मुझे ये बताओ स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या देखो, चेयर किससे बनता है? वुड से। डोर किससे बनता है? वुड से। स्टिक, छड़ी किससे बनती है? वुड से बनती नहीं बनती, बचपन में कुटे होंगे या नहीं कुटे होंगे, टीचर से कुटे हैं या नहीं, अब तो भी बड़ा जमाना आगे, कहाँ कुट रहे हो तुम हमसे। अब देखो टोमेटो, पोटैटो एंड ब्रिंजल, क्या सेम रॉ मटेरियल से बन रहा है? यदि ये सेम रॉ मटेरियल से नहीं बन रहा तो ए ऑप्शन गलत। मैशन, कारपेंटर एंड कॉबलर, कॉबलर, बच्चा मैशन अलग है, कारपेंटर अलग है, कॉबलर अलग है, तो ये बी ऑप्शन गलत। इसका मतलब क्या है बच्चा? इसमें जो रूल फॉलो हो रहा है वो ये फॉलो हो रहा है कि जो थ्री है बच्चा वो क्या है, आपके मेड हो रहे हैं सेम रॉ मटेरियल से। तो बच्चा स्टैचू, ब्रेक और पिक्चर, पिक्चर मतलब क्या होता है? मटका। ये किससे बनता है आपका? मिट्टी से बनता है। किससे बनता है? मिट्टी से बनाया जाता है जो आपके स्टैचू है, ब्रिक है और मटकी है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। तो जय चौधरी, पहाड़ी वाले बाबा, प्रतीक्षा, अभिनन्ना, मैं सेन, प्रीति यादव, ऋतिका अदाना, ऋषभ बजाज, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। कुसुम, जय चौधरी, दारा सिंह, इसका सी ऑप्शन। तो रोहन आंसर नहीं आ रहे हैं, भाग्यश्री, यथार्थ, यथार्थ नहीं आया आज की क्लास में, भास्कर, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन, भाग्यश्री, वेरी गुड। शुभम सोंकर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मयंक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए मेरे स्टूडेंट कैसे हो, मयंक यादव जैसे हो ऐसे मैं बोलूं? आचल तोमर, अरे भाई टाइपिंग मिस्टेक आ चल, अब बताओ मेरी क्या गलती है, मैंने नहीं करती मैं प्रूफ रीड, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता कि मैं प्रूफ रीड करूँ पीपीटी को, लेकिन मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि आपको एक बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ। बेस्ट कंटेंट के साथ साथ जो क्वेश्चंस मेरे हो वो मैं चाहती हूँ कि मेरे एग्जाम से रिलेटेड हो। जैसे पिछली बार आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस जो डिफेंस अड्डा ने कराए थे वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ आए थे, आप लोगों ने पढ़ा था तो आप लोगों को ज़्यादा पता है। बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे, मैम जैसा पेपर आया था वैसे ही आपने क्वेश्चंस को बताया था, ठीक है। बच्चा देखो, टेबल एंड अलमारी दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? अलमीरा की कैटेगरी में आते हैं। टेबल एंड अलमारी दोनों के दोनों जो कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं अलमीरा की, वो फर्नीचर की। तो सेम बच्चा जो आपके ऑरेंज और एप्पल है वो दोनों के दोनों किसकी आते हैं कैटेगरी में? फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। किसकी? रोहन, फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। तो बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऐसा करोगे जो सही आंसर देगा ना वैसे लिखेगा, डिफेंस अड्डा जिंदाबाद है ऐसा नहीं, वो क्या करेगा जो आंसर गलत देगा उसके लिए पनिशमेंट, क्या सोचूं समझ में नहीं आती, मतलब कुछ ऑनलाइन पनिशमेंट मुझे सोच के बताओ। थैंक यू आचल तोमर, सपना, प्रीति, संगीता, अमित, आदर्श, ऋषभ, रोहन, भास्कर, रवीना, मयंक यादव, जय चौधरी, मृणल, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस एट्थ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा जो आपके स्क्रीन पर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे पता है इसमें बहुत लोग गलत आंसर देने वाले। देबू, नहीं भाई, जो बच्चे मेरे पढ़ने वाले बच्चे हो मैं उनसे क्यों गुस्सा होंगी? देबू बिल्कुल भी नहीं। देखो बच्चा, हंट का मतलब क्या होता है? शिकार, ठीक है। क्या होता है बच्चा? हंट का मतलब होता है शिकार। प्लेजर का मतलब क्या होता है? खुशी। पैनिक का मतलब क्या होता है? दर्द। इसका मतलब क्या है बच्चा? जिसने शिकार किया, जिसने, ध्यान से सुनना मेरी बात को, गौर से बुद्धि लगा लेना, जिसने शिकार किया उसे क्या मिली? खुशी मिली। और जिसका शिकार हुआ उसे क्या मिला? पेन मिला। समझे मेरी बात को? भाग्यश्री बताओ,
अरे भाग्यश्री ने बिल्कुल सही बताया, जो गलत आंसर देगा वो 10 लोगों को शेयर करेगा, ठीक है। तो मयंक, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये वाली बात, ठीक है मयंक, ठीक है। बहुत भाग्यश्री, अमेजिंग अमेजिंग आइडिया दिया है, जो आंसर गलत देगा, जैसे मयंक यादव दे रहे हैं, तो भाई बी ऑप्शन यदि आप दे रहे हो तो आप 10 लोगों को शेयर करके आइए सेशन को, ठीक है। बिल्कुल भाग्यश्री, अमेजिंग। चलिए मौसमी, 10 लोगों को शेयर करके आइए सेशन। देखिए बच्चा, यदि आप शिकार कर रहे हो तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन जिसका शिकार करोगे उसे क्या मिलेगा? दर्द। उसी प्रकार बच्चा, यदि कहीं चोरी होती है तो चोर को क्या मिलता है? गेन होता है, प्रॉफिट होता है। उसी प्रकार बच्चा, यदि किसने चोरी नहीं की, जिसके घर पे डाका डाला गया है, उसे क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है उसे? उसे होता है लॉस होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अमित, नहीं, ये पनिशमेंट नहीं है, मेरी कैटेगरी में नहीं आती। पनिशमेंट ये है, जो आंसर गलत देगा वो 10 लोगों को शेयर करेगा, यदि वो नहीं करेगा तो देखो पता चल जाएगा उसने करा या नहीं करा। जैसे ही वो शेयर करेगा, यहाँ पे बच्चे आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम समझ जाएंगे वो शेयर करके आया है, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, भाग्यश्री, कुसुम, देबू, जय, रोली, रवीना, हे आदर्श, सपना कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी फॉर चार्ली, बी फॉर ब्रावो। बहुत सही बना रखा है तुमने, उत्तम। रिपीटेड क्वेश्चन है ये बच्चा, उत्तम। रिपीटेड तो हर एक में होता है। यदि आप रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में बात करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएगा, एक आधा क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएगा, सारे नहीं मिलेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। यदि रिपीटेड भी आ रहा है एक आधा, तो कौन सा तुम सही आंसर दे रहे हो? क्या इससे अलग हटके पेपर आता है? नहीं, इनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही तो हैं ये। तो कुसुम, विक्रम, समीर, भाग्यश्री, सुमित, क्लास की स्पीड बढ़ाओ। सुमित, यदि क्लास की स्पीड बढ़ा दी ना, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। चलो देखते हैं, रोहन कह रहे हैं बी ऑप्शन, भाग्यश्री कह रही है सी ऑप्शन। तो भाई देखेंगे कि कौन इस सेशन को शेयर करेगा। भाग्यश्री, आज आप सेशन को शेयर करोगे। रवीना एंड भाग्यश्री, सेशन को शेयर करके आइए। दिव्या, वेरी गुड। मयंक, फटाफट से चलो, बहुत अच्छी बात है। नेहा सिंह चौहान, बी ऑप्शन। नेहा, बी, सी, बी ऑप्शन, वेरी गुड। अच्छा बच्चा, सब अर्ब का मतलब क्या होता है? सब अर्ब का मतलब होता है बच्चा आपका उपनगर। देखो, विलेज मतलब एक विलेज आया, वो गांव। गांव से क्या बना? सिटी बना, शहर बना। शहर से क्या बना? आपका महानगर बना। मतलब स्टेज टू स्टेज बढ़ती जा रही है। तो उसी प्रकार बच्चा, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन, स्कूल। मतलब पहले छोटा, फिर कॉलेज बड़ा आया, फिर कॉलेज से बड़ा आया यूनिवर्सिटी। बच्चा सी ऑप्शन इसलिए राइट नहीं आएगा भाग्यश्री, यहाँ पे ये होना चाहिए, स्टेट से बना कंट्री, कंट्री से बना आपका कॉन्टिनेंट। जब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। सोनू, जिद्दी पिद्दी तो करो मत, और गरिमा, सी ऑप्शन आप दे रहे हो तो आपका गलत आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। तो गरिमा, आपके लिए पनिशमेंट है कि आप 10 लोगों को इस सेशन को शेयर करके आइए, मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। भाग्या, भाग गई क्या? सेशन को शेयर करके आओ, ठीक है। दारा सिंह, सी ऑप्शन नहीं है, सेशन शेयर करके आओ। चलो, लाइक द सेशन एज मच एज, ठीक है। और जिन्होंने बच्चों ने लाइक नहीं किया है, वो सेशन को लाइक कीजिए एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो, क्लास में जब भी मजा आता है, जब दोनों साइड से कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से चल रही हो, हर एक सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा हो, सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पनिशमेंट भी दी जा रही हो, ठीक है। विक्रम, हु इज दैट? भाग्यश्री, भाग्यश्री एफ केट की स्टूडेंट है मेरी, विक्रम। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर, भाग्यश्री रोहन पागल हो गया, उसको तो मैं बाद में देखूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग्यश्री, जय चौधरी, भाग्य, गरिमा, सेशन शेयर नहीं करके आए हो, क्योंकि गलत आंसर देने के बाद भी सेशन शेयर नहीं हुआ है। श्याम शर्मा, दिव्या, इस क्वेश्चन का आंसर मैम डी में भी तो जैसे ही है। डी में बच्चा, बच्चा कहाँ से? ट्रांसिस्टर इज रेडियो, रेडियो से टेलीविजन। नहीं बच्चा, डी कैसे? डी अलग है बच्चा, डी बिल्कुल डिफरेंट है। आज के टाइम में भी रेडियो है बच्चा, ट्रांसिस्टर से रेडियो नहीं, ये गलत है बच्चा, डी ऑप्शन, ठीक है।
चलिए यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो 10th क्वेश्चन का आंसर पिक्चर, क्लॉक एंड वॉल। देखो पिक्चर भी कहां तक कही जाते, पीछे दीवार पे, क्लॉक भी क्या होते दीवार पे, मतलब यदि मैं क्लॉक एंड पिक्चर की बात करूं तो वो दोनों की दोनों टिकाई जाती है आपकी वॉल पे। तो भाई आपकी पनिशमेंट बिल्कुल सही है, आपने शेयर करा है, ठीक है। तो उसी प्रकार बच्चा 10th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अनिकेत शेयर करके आइए सेशन, गलत आंसर दे रहे हैं। स्नेहा मृणाल, मृणाल सेशन शेयर करके आइए, सी ऑप्शन नहीं आएगा। मयंक यादव, सपना, रोहन, प्रीति पहाड़ी समेत हमें शेयर द सेशन, गलत आंसर। देखो पिक्चर एंड क्लॉक दोनों की दोनों हमारी दीवार पे टाकी जाती है। देखते हो ना अपने घर में, आप यदि फोटो कहां पे लगाओगे, दीवार पे क्लॉक लगा रहे हो तो दीवार पे लगाओगे। तो उसी प्रकार बच्चा जो आपका पिलो है, पिलो इज अ तकिया, क्विल्ट मतलब आपका क्या होता है, क्विल्ट मतलब की रजाई, वो दोनों की दोनों किस पे होती है, आपकी बेड पे होती है, बेड के अंदर नहीं होती ना। जब आप अपने पंगाते हो तो अपने पिलो और क्विल्ट रजाई को कहाँ रखते हो, बेड के ऊपर रखते हो। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। जो मुझे सी आंसर दे रहे हैं, तो नलायको गार्डन और पार्क का मतलब क्या होता है, गार्डन इज द सिनोनिम्स ऑफ पार्क, ठीक है। जिन्होंने गलत आंसर करके आए, मैम शेयर कर दिया रवीना, बच्चे पनिशमेंट जब तक कबूल नहीं होगी जब तक स्टूडेंट नहीं आ जाते। डीप बी ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि पेन पेंसिल नॉट मतलब कलर पे डिपेंड नहीं है बच्चा, पेन और पेंसिल कलर पे डिपेंड नहीं है। तो बी भी गलत, सी भी गलत। फुटपाथ और रोड, बच्चा दोनों हाईवे से रिलेटेड नहीं है। तो बच्चा आपका डी भी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल राइट, गलत आंसर हो गया। इसका जो राइट आंसर माना जाएगा विद एक्यूरेसी वो भाग्यश्री माना जाएगा आपका ए ऑप्शन। हाँ भाग्यश्री ने कर दिया है और बाकी के बच्चों ने नहीं करा जो आंसर गलत है, फिर क्या फायदा ऐसी पनिशमेंट का। अमन देखो अपने में दोनों बेस्ट हैं, सीडीएस भी अलग है, एफकेट भी अलग है। यदि आपको आर्मी में जाना है, यदि आपको कुछ भी ज्वाइन करना है, यदि आपको डिफेंस ज्वाइन करना है, तो आप अपना सीडीएस का एग्जाम भी दो, साथ के साथ अपने एफकेट का भी एग्जाम दो, ठीक है। मेरा तो यही मानना है, बाकी आप लोगों की भी मर्जी है, एक टीचर तो यही बोलता है हमेशा। देखो यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, कुसुम, देबू, समीर, रवीना, भाग्यश्री, अमित, दारा सिंह, मयंक यादव, प्रीति यादव, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, लिजार्ड रेप्टाइल एंड इंसेक्ट। यदि मैं बच्चा लिजार्ड रेप्टाइल एंड इंसेक्ट के बारे में बात करूं, तो आपको पता है लिजार्ड क्या है, लिजार्ड इज द रेप्टाइल, लिजार्ड किस में आता है, रेप्टाइल में आता है, किस में आता है आपके, रेप्टाइल में मतलब सरीसृप में आता है, और इंसेक्ट क्या होता है आपका कीड़ा होता है, इंसेक्ट क्या होता है आपका कीड़ा होता है। तो बच्चा जो सेकंड है वो किसकी डिनोट कर रहा है, क्लास की, फर्स्ट की क्लास को डिनोट कर रहा है आपका सेकंड, ठीक है। और जो बच्चा लिजार्ड है वो किसको खाती है, कीड़े को खाती है। बन रहा है नहीं बन रहा, रवीना कह रहे हैं डी ऑप्शन, तो भी देखते हैं कि डी ऑप्शन होगा या नहीं होगा। अच्छा किलर, नेहा शर्मा, अमित, प्रतीक, ये ऋषभ बजाज, ये 10 लोगों को शेयर करके आइए, क्योंकि आप सारे के सारे आंसर गलत दे रहे हो। समीर, शिवानी, सी ऑप्शन शिवानी, 10 लोगों को शेयर करके आइए। शिवम, रोहन, रोहन 10 लोगों को शेयर करके आइए। बी आंसर नलायक, फ्लाई, जो फ्लाई है मधुमक्खी, वो फ्लाई क्या होता है, मक्खी है, वो बी को खाती है, मधुमक्खी को खाती है। अरे ये लगाओ, ये कहां गया है तुम्हारा। टाइगर इज अ मैमल है, टाइगर इज अ मैमल एंड बच्चा जो टाइगर इज अ मैमल एंड डियर, और जो टाइगर है बच्चा वो डियर का शिकार करता है। बच्चा जो लिजार्ड की जो आपकी वो है कैटेगरी है वो आपकी रेप्टाइल है, तो टाइगर की जो कैटेगरी है वो मैमल है और मैमल, और जो टाइगर है बच्चा वो शिकार करता है डियर का, और तो सेम बच्चा जो लिजार्ड है बच्चा वो किसका शिकार करता है, इंसेक्ट का शिकार करता है। तो डी ऑप्शन क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। मयंक, अनिकेत, मृणाल, कुसुम, स्नेहा, कुशवा, जालिम सिंह, जालिम सिंह सी ऑप्शन गलत है। तो जालिम मुझे तो डर हो लग रहा है आपसे बात करते हुए कि आपने नाम ही ऐसा रख रखा है जालिम सिंह। तो भाई यदि आपका सी ऑप्शन और आपका आंसर गलत है तो आपको क्या करना है, सेशन को 10 लोगों के शेयर करना है। तो डी ऑप्शन क्या आएगा, दिव्या, भाग्यश्री, नेहा, सपना, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर है, तो फटाफट से बताइए। भास्कर, रितिका, समीर, जालिम, भाग्या, दिवाकर, नहीं दिवाकर मैंने 11:30 बजे बोला था, मैं क्यों 11:30 बजे बोलूंगा, मैंने तो कहा था 11 बजे होगा, है कानों में क्या डर रहा था तुम्हारे। ओमनीवोरस मतलब होता है सुजीत आपका मांसाहारी, ठीक है। अच्छा सॉरी, ओमनीवोरस कार्निवोरस होता है, सॉरी बच्चा, मतलब मैं बिल्कुल मतलब दिमाग से निकल गया, आप ओमनीवोरस पूछ रहे हैं एंड मैंने आपको गलती से क्या बता दिया, वो बता दिया, क्या नाम है आपका,
मतलब सर्वाहारी, मतलब वेजिटेरियन कह सकते हैं आप ओमनिवोर इसको, ठीक है। सर्वाहारी आप ये कह सकते हैं कि जो सब खाता हो, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सुजीत पहाड़ी वाले बाबा, प्रीतम ज्योति, क्लास स्कूल एंड स्टूडेंट। यदि बच्चे मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, क्लास स्कूल एंड स्टूडेंट, सी ऑप्शन पहाड़ी, मयंक देख लिया, सुजीत सी ऑप्शन, कुसुम सिंह, तेजस्वी, नेहा सिंह चौहान, फटाफट से सेशन को शेयर करके आइए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, उत्तम सिंह, सी ऑप्शन। कैसे करेंगे? ए समीर, वो होता है कार्निवोरस होता है, वो आपका क्रोनो वायरस, क्रोनो वायरस आप याद कर सकते हो, कार्निवोरस, ठीक है। रोहन कह रहे हैं सी फॉर चार्ली। देखो बच्चा क्लास, ठीक है, जो बच्चा स्कूल होता है, देखो क्लास में कौन होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, क्लास किस में होती है, स्कूल में होती है। तो उसी प्रकार बच्चा जो फिंगर होती है वो आपके हाथों में होती है, और हाथ किसका पार्ट होता है, आपके बॉडी का पार्ट होता है। तो सी ऑप्शन क्या होगा, भाग्यश्री, निधि ठाकुर, कूलमोंग, दिनेश, रवीना, अभिजीत, क्षितिज, शांतनु, कृष्णा मिश्रा, हेलो कृष्णा मिश्रा, प्रीति, भास्कर, दिव्या। जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। कृष्णा, रवीना, भास्कर, अविनाश, कुसुम, नेहा पांडे, समीर, सुमित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेहा, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भास्कर, प्रीति, जय चौधरी, मानसी। गलत आंसर देने में पनिशमेंट मिल रही है आज आप लोगों को, ध्यान रखना, जिसने गलत आंसर दिया उसको पनिशमेंट है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सही आंसर देना है या गलत आंसर देना है, यू डिसाइड इट, ठीक है। यदि गलत आंसर दोगे तो 10 लोगों को शेयर करना है सेशन को। अरे बाद में हेलो आए कर लेना मिश्रा से, पहले इस क्वेश्चन का आंसर तो बता लो, और नलायक को फिर आंसर गलत दिया तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगी मैं आज। अच्छा बच्चा, हॉर्स की वाइफ को क्या कहा जाता है, हॉर्स की वाइफ को क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, हॉर्स की वाइफ को क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है, और इन दोनों के बच्चों को क्या कहा जाता है, फॉल किया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, इन दोनों के बच्चों को क्या किया जाता है, फॉल कहा जाता है। तो उसी प्रकार सबका आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन। तो किसी को पनिशमेंट मिली नहीं इस क्वेश्चन में। तो बच्चा मैन के बच्चों को क्या कहा जाएगा, वुमेन, वो सॉरी मैन की वाइफ को क्या कहा जाता है, वुमेन, और इन दोनों के बच्चे को क्या कहा जाता है, चाइल्ड कहा जाता है। तो सी ऑप्शन, भास्कर, सुकेश, भाग्यश्री, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेहा शर्मा, शांतनु, थैंक गॉड इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने गलत नहीं दिया, नहीं तो आज मैं उसकी इतनी बेइज्जती करती कि वो कभी इस क्वेश्चन का आंसर गलत ना देता। रोहन वर्मा, कृष्णा मिश्रा, भास्कर, शांतनु, सपना, नेहा पांडे, कूलमोंग, सौरभ। अरे बस 49 लाइक है, ये तो मेरे लिए ना इंसाफी की बात है। क्या सेशन लाइक करना भूल गए हैं आप लोग? सेशन को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई। यहाँ पे 101 बच्चा देख रहा है और सेशन लाइक नहीं है, ये कैसे हो गया? ये तो आप लोगों के लिए ना इंसाफी है। चलो अनिकेत, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर, इंक पेन एंड पेपर, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या उन देता है। जालिम, समीर, तेजिंदर एंड देबू गोस्वामी, तो ठीक है चलो, कृष्णा मिश्रा, कुसुम, उत्तम, ये जितनों के भी मैंने पहले नाम लिए ना, सबने आंसर गलत दिया है। तो उसे क्या करना है, सेशन को क्या करना है, 10 लोगों को शेयर करना है। मैं समीर, सेशन को 10 लोगों को शेयर कीजिए। सुकेश, बच्चे सुकेश हेल्पलाइन नंबर किसका मांग रहे हो? बच्चा कोरोना का हेल्पलाइन नंबर तो आजकल सब में बट ही रहा है, मेरे को नहीं पता बच्चा किस चीज़ का आप हेल्पलाइन नंबर मांग रहे हो। अच्छा, जो मुझे सी ऑप्शन दे रहे हैं तो उनके लिए पनिशमेंट ये है कि वो 10 लोगों को इसको सेशन को शेयर करके। और देखो मुझे लग रहा है कि आप कोई भी अपना बच्चा पनिशमेंट पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि पनिशमेंट इसलिए पूरे नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब आप अपनी चीज़ों को बहुत गंदा कर रहे हो, आप मतलब पनिशमेंट को एक सीरियस तौर पर नहीं ले रहे हो। तो क्या फ़ायदा है इसे पढ़ाने में, आप पनिशमेंट को भी सीरियस नहीं ले रहे हो। पनिशमेंट को तो सीरियस लो कि मैम डांटेंगे आपको। बच्चा देखो, पेन, पेन के अंदर क्या होना चाहिए, इंक,
ठीक है, पेन के अंदर इंक होगा जब भी वो पेपर पे लिख पाएगा। यदि पेन के अंदर इंक होगा जब भी तो वो पेपर पे लिख पाएगा, तो उसी प्रकार बच्चा जो ब्रश होगा, यदि आप ब्रश में कलर लगाओगे, ब्रश में कलर लगाओगे तो उस कलर से क्या करोगे आप, कैनवस पे अपनी कोई ना कोई पिक को जरूर बनाओगे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, जिसके पास भी अटल 24/7 का हेल्पलाइन नंबर है वो इस बच्चे की मदद कर दे, उसे जरूरत है, ठीक है। तो फटाफट से सुकेश की मदद कर दो, सुकेश को जरा भेज दो हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। कृष्णा मिश्रा, कब तुम्हारा नेट नहीं जाता। जिसने भी सी ऑप्शन दिया है उसके लिए पनिशमेंट है कि आप उस सेशन को शेयर कीजिए। और बताओ क्या हो रहा है, कोई पनिशमेंट सीरियस तौर पे नहीं ले रहा, मजा नहीं आएगा ऐसे तो, पढ़ाने में भी नहीं आएगा, पढ़ने में भी नहीं आएगा, जब सीरियस तौर पे लोगे नहीं तो सेशन, दिस इज नॉट द राइट वे, ठीक है। जब आपके लिए भाग्यश्री ने इतनी खूबसूरत आपके लिए क्या ढूंढिए, पनिशमेंट ढूंढिए, तो आप कम से कम उसका फायदा तो उठाइए। समीर कुसुम प्रभात तेजस्वी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जो आपके स्क्रीन पर है, 15 क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखिए, रिसर्च का मतलब क्या होता है बच्चा, अनुसंधान, रिसर्च कर रहे हो। हिस्टोरियन का मतलब क्या होता है बच्चा, इतिहास का। स्कॉलर का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी। तो सेम बच्चे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या करेगा बच्चा, बच्चे देखो हिस्टोरियन एंड रिसर्च कौन करता है, एक विद्यार्थी करता है, जो बहुत। स्कॉलर का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा विद्वान विद्यार्थी, वो इतिहासकार भी बनता है, रिसर्चर भी बनता है। तो उसी प्रकार जो बच्चा बुक होती है वो क्या होती है आपकी, नोवल एंड एपिक दोनों से होता है। एपिक का मतलब क्या होता है बच्चा, महाकाव्य, महाकाव्य। तो बच्चा जो बुक होती है वो क्या होती है आपकी, नोवल में कन्वर्ट हो जाती है, नोवल से फिर वो एपिक में कन्वर्ट हो जाती है, जो आपकी महाकाव्य को दर्शाती है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, प्रीति, ऋषभ, स्नेहा, एस यादव, आदेश, अमिताभ, ऋषभ, बजाज, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हैंड, रिस्ट एंड बेंगल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी नलायक बच्चा मेरी क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर गलत देगा। किसी को लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत दे सकते हो तो उसके लिए एक पनिशमेंट है, वो 20 लोगों को शेयर करेगा। जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया वो 20 लोगों को शेयर करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। तो वो 20 लोगों को क्या करेगा, इस सेशन को शेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए बताइए, प्रीति, हनी, नेहा शर्मा, कृष्णा मिश्रा, चलो बहुत अच्छी बात है, कृष्णा मिश्रा, गोपाल, अदनम, कृष्णा मिश्रा, नेहा, माही क्यूट, रोली, गौतम, दिवाकर, लाइट जा रही है, लाइट जा रही है तो नलायक नेट कोई ना चला जाएगा तेरा, पढ़ ले। अच्छा, अब मुझे आंसर दिया ऋषभ बजाज ने, सी ऑप्शन। चलो भाई ऋषभ, शेयर कीजिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा, चलो चलो। अमित, डी ऑप्शन गलत आंसर, ऋषभ सी ऑप्शन गलत आंसर दे रहे हो, कुणाल सी ऑप्शन इस इजी से क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हो, तो भाई 20 लोगों को शेयर करो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे आसान है, हैंड, हैंड क्या होता है, ये हाथ है, ठीक है। रिस्ट क्या होता है, अच्छा ये बताइए मेरे को, रिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाई होता है, ये होती है कलाई, कलाई में क्या पहनते हो, बैंगल पहनते हो। तो उसी प्रकार बच्चा पैर में क्या होता है आपका, एंकल होता है, टखना होता है, एंकल इज द पैर, जो आपके जहां पे आप क्या पहनते हो, एंकलेट, जहां पे आप क्या पहनते हो बच्चा, पजेब पहनते हो, या आप ये कह सकते हो पायल पहनते हो। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जय चौधरी, जालिम, देबू गोस्वामी, रमाकांत, शांतनु, दिव्या धूरिया, प्रीति यादव, अमन, कृष्णा मिश्रा, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन, आदर्श, राजीव, देबू गोस्वामी, प्रभाष कुमार, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन, कलाई, कलाई होती है ना ये कलाई, कलाई मोड़ दूंगी मैं तुम्हारी यदि आंसर गलत दिया। तो भाई नलायको सेशन शेयर नहीं हुआ, समीर, ऋषभ बजाज आंसर गलत दिया था, 20 लोगों को शेयर करो कि ये क्वेश्चन बहुत आसान था, मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत आसान है। भास्कर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कृष्णा मिश्रा, स्नेहा निकल ली क्या, ऐसी है ये नलायक, पढ़ने नहीं आई थी क्या ये आज, देबू, अभिजीत, प्रभास, मयंक, डोरेमोन, राजीव, दिव्या, धूरिया, आचल, भास्कर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कृष्णा मिश्रा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड। यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड, तो भाई ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ
बच्चा आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। उसी प्रकार बच्चा डियर लायन एंड वॉल्फ ये तीनों के तीनों भी एक ही कैटेगरी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपके मेटल हैं। तो उसी के प्रकार बच्चा डियर लायन एंड वॉल्फ ये क्या हैं, आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं। क्या हैं बच्चा, वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो कृष्णा मिश्रा, अनिकेत देबू, मयंक, नेहा पांडे, डी ऑप्शन क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन, सपना कुमारी विल बी द करेक्ट। बी ऑप्शन दे दो, जहर दे दो, दे दो, मारो मारो मारो, कौन दे रहा है इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन? हाँ, कौन दे रहा है बे? डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? जब तीनों के तीनों आपके मेटल से रिलेट करते हैं तो उसी प्रकार डियर लायन एंड वॉल्फ ये तीनों के तीनों आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है? हाँ, ये डांट तो देबू मैं इसको। कृष्णा क्यों सबको हेलो कर रहे हो? यहाँ पे मैडम तो दिखी तुम्हें, मैडम को तो तुमने एक भी बार हेलो नहीं करी है ना, और लोगों का हेलो हेलो अनिकेत, हेलो मयंक, ये करने में लगे हुए हो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर रितिका, रवीना, देबू, धीरेश, कुसुम, श्वेता, रवीना, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सुकेश, अरे किसी ने क्या 24/7 का हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया क्या सुकेश को? दे दो भाई, मेरे को नहीं पता हेल्पलाइन नंबर क्या है, मैं भूल गई। अपने नंबर तो मेरे को याद थे, मैं हेल्पलाइन नंबर के कैसे याद कर लूंगी। हाँ सही कहा भाग्यश्री तुमने, कृष्णा के पास कमेंट करने का नेट है लेकिन आंसर देने का नेट नहीं है उसके पास। चलो भाई भाग्यश्री, रवीना, मयंक, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रभास, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेरी गुड प्रभास। नेक्स्ट क्वेश्चन सुजीत, नेहा सिंह, मयंक यादव, बच्चे ना मेरी भी इज्जत नहीं करते। मैं कह रही हूँ सुकेश को बहुत देर से हेल्पलाइन नंबर दे दो, हेल्पलाइन नंबर दे दो, दे ही नहीं रहे। अरे बेचारा परेशान हो रहा है, दे दे बच्चा उसको, सुकेश को हेल्पलाइन नंबर दे दे। कृष्णा मिश्रा, अमित, भाग्यश्री, हनी, इस क्वेश्चन का आंसर समीर प्लीज सुकेश की हेल्प कर दो बच्चा। 18 क्वेश्चन का आंसर स्माइल, लाफ एंड क्राई। स्माइल मतलब धीमी सी हंसी, कैसे ऐसे, लाफ जोर जोर के हंसना, और क्राई इज अ रोना। तो सेम बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सेम इस क्वेश्चन का आंसर मतलब क्या आएगा बच्चा, टच, टच मतलब छूना, कैच मतलब जकड़ के पकड़ लेना, कैच मतलब क्या होता है, पकड़ लेना मतलब जाने ना देना, एंड रिलीज छोड़ देना, इसका मतलब क्या है बच्चा, जो स्माइल है बच्चा, जो वो क्या है, इसकी जो लाफ है बच्चा, आप ये कह सकते हो जो लाफ है बच्चा वो हाई इंटेंसिटी है किसकी, स्माइल की, और ये इसका अपोजिट है। सेम बच्चा जो टच होता है, जो कैच होता है वो हाई इंटेंसिटी है टच की, और रिलीज क्या है, इसका अपोजिट है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, भास्कर, प्रीति, जय चौधरी, रवीना, अभिजीत, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। जिसने भी आंसर गलत दिया वो जाइए और सेशन शेयर करके आइए। कुसुम सिंह, भाग्यश्री, भास्कर, अभिजीत, प्रीति, जय चौधरी, रितिका, गरिमा सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुत खूबसूरत आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है। स्टूडियो मुंबई स्टार्स, बताइए। और भाई देख रही हूँ इतने नलायक बच्चों, कोई अपनी पनिशमेंट को पूरा नहीं कर रहा है। This is not the right way. ये ऐसे नहीं यही चलेगा कि आप पनिशमेंट पूरी नहीं कर रहे। यदि आप पनिशमेंट पूरी नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा, फिर क्या फ़ायदा, मैं नॉर्मली पढ़ाऊंगी आपको, इसका आंसर ये है, चलो नेक्स्ट करते हैं, मजा आ जाएगा पढ़ने में, बिल्कुल नहीं आएगा, भाग जाओगे। हेलो अमिताभ, अश्विनी मैम, मेरा भी नाम ले लो। अरे अवनीश, अवनीश, अवनीश कुमार यादव, नाम बहुत प्यारा लगा। आकांक्षा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूँ। सुकेश, मिला आपको नंबर? अरे कोई दे दो सुकेश की हेल्प कर दो। अनिरुद्ध शर्मा, बहुत दिनों बाद क्लास में देखो, देखो स्टूडियो मुंबई एंड स्टार, यदि बच्चे मैं स्टूडियो मुंबई एंड स्टार के बारे में बात करूं तो बच्चे देखो स्टार्स कहाँ पे काम करते हैं, स्टार्स जो काम करते हैं वो स्टूडियो में काम करते हैं। आप लोगों को पता है जो स्टार्स होते हैं बच्चा वो आपके कहाँ पे काम करते हैं, स्टूडियो में काम करते हैं। और जो स्टूडियो होते हैं बच्चा वो कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई में लोकेटेड है। वो कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई में लोकेटेड है। तो उसी प्रकार जो बच्चा जो मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट में काम करते हैं नहीं करते हैं। पार्लियामेंट इज संसद, मिनिस्टर इज मंत्री, और पार्लियामेंट कहाँ है आपका, दिल्ली में है। किस में है, दिल्ली में है। तो अविनाश, भास्कर, वेरी गुड दिवाकर, सी ऑप्शन क्या होगा। रोहन, हरी, भास्कर, नेहा, भाग्यश्री, प्रीति, यादव, सी ऑप्शन उदय रंजन, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका उदय रंजन, सी ऑप्शन, ठीक है। उदय शेट्टी आ गए आप क्लास में,
और जब से तो आप दिखे नहीं, अब दिखे हो मेरे को। क्षितिज, ए उसे बताओ नंबर, ठीक है, उसे फालतू के सजेशन मत दो, 100 नंबर पे कॉल कर लो, नहीं डांट खा लोगे आज की क्लास में। कहा था ना बिल्कुल डांट नहीं खलवानी, बिल्कुल। कुलमोंग, सौरभ, रितिका, नेहा, सौमित, रवीना, रोहन, प्रीति, अनिरुद्ध शर्मा, भास्कर, मयंक, हरि कृष्णा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, 20 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताइए। सी ऑप्शन श्याम शर्मा, गुड वाइब, सी ऑप्शन, ओके। आदित्य, हनी, अरे नाम ले लिया, नाम ले लिया मैंने। सोनित, सोनित मैं फिलहाल तो हरियाणा से ही हूँ, ठीक है, फिलहाल हरियाणा से हूँ, ठीक है। एंड चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, आकांक्षा, लास्ट में नंबर दे दूंगी, अभी क्लास देख लो, ओके। चलो आकांक्षा कह रही लास्ट में नंबर दे दूंगी, सुखांता आपको लास्ट में नंबर दे दिया जाएगा, तो चलो आमे चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शांतनु दे दिया, समीर, समीर आपको, समीर ने आपको नंबर दे दिया बच्चे आपको, ठीक है। आदित्य, भाग्यश्री, अनिरुद्ध, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। बच्चे देखो, ब्रश किससे बनता है, हेयर से। विग किससे बनती है, हेयर से। आपको पता है जब लोग आर्टिफिशियल विग लगाते हैं तो वो किससे बनती है, हेयर से ही बनती है। तो उसी प्रकार बच्चा हैमर और एक्स, हैमर और एक्स किससे बनता है, हैमर इज हथौड़ा, एक्स इज कुल्हाड़ी, वो दोनों के दोनों किससे बनाए जाते हैं, आयरन से बनाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन भास्कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ऑड वन आउट के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं, तो फटाफट से ऑड वन आउट के क्वेश्चन देना स्टार्ट कीजिए। अभिजीत, भाग्यश्री, सुजीत, हनी, नेहा पांडे, भाग्यश्री, वो भास्कर अभी ना बहुत क्लास है तुम्हारी, ठीक है, ये अभी रोना गाना मत करो कि अरे कितनी क्लास बची है मैडम, 2 घंटे आपकी क्लास चलेगी आज, 1 बजे से पहले का सेशन खत्म नहीं होगा, 1 बजे सेशन खत्म होगा, तो अब नलायक नाटक मत कर, इस क्वेश्चन का आंसर दे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो आपको ये बताना है इसमें आपका ऑड वन आउट क्या आएगा, गलत कौन सा बनेगा, तो फटाफट से बताइए। बच्चे यदि मैं बात करूं, ये सारे के सारे फ्रूट होते हैं, पियर इज द नाशपाती, ठीक है, एप्पल क्या होता है आपका, सेब, लीची, लीजी, गुआवा इज अमरूद, एंड ऑरेंज इज संतरा। बच्चा सिर्फ ऑरेंज को छोड़कर, अरे टाइम खत्म नहीं हुआ, आंसर दे रहे हैं ए बी, भैया बहुत गलत होने वाले हैं ऑड वन आउट में आप लोगों के, तो तैयार रहो, कमर कस लो ज्यादा से ज्यादा सेशन शेयर करने के लिए। दिव्या, पियर, पियर क्यों आएगा, नाशपाती, नाशपाती का ही आंसर आएगा, ऑरेंज को छोड़कर, मतलब हम ये कह सकते हैं ऑरेंज इज द ओनली सिट्रस फूड, ऑरेंज जो है बच्चा वो सिर्फ इसमें सिट्रस फूड है, बाकी के सारे ऐसा कोई भी आपका क्या है बच्चा, फ्रूट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, अमित, प्रीति, तेजस्वी, निधि ठाकुर, शांतनु, ई ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो जिसने भी मेरे को आंसर ए बी सी या डी दिया है तो वो मुझे पहले एक्सप्लेनेशन दे, एक्सप्लेनेशन देने के बाद मुझे ये बताइए कि आपका आंसर गलत है या सही है, देन उसके बाद सेशन को शेयर करके आइए। तुक्के मत मारो, कुसुम कहाँ से आएगा गुआवा आंसर, गुआवा क्यों आएगा, ई फॉर एलिफेंट, रोहन वर्मा विल बी द करेक्ट आंसर, ई जो आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा प्रभास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कर्ड बटर ऑयल चीज एंड क्रीम, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बताइए। कर्ड बटर ऑयल चीज एंड क्रीम, आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, तो फटाफट से नेहा शर्मा, रोहन, हरि कृष्णा, भास्कर, अच्छा ऑरेंज क्योंकि वो गोल है, एक ये आएगा घूमते हुए थप्पड़, ठीक है, और ऑरेंज क्या, भास्कर तुम्हारे सही गोल कर दूंगी मैं आज, सुजीत, हाँ सुजीत यदि आपका ये एक्सप्लेनेशन तो आपका भी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, राइट होगा आपका भी इस हिसाब से तो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे लॉजिक आपके बहुत डिफरेंट लगते हैं और एक्सप्लेनेशन दोगे तो आपके आंसर भी सही माने जाएंगे। मिश्रा, उन्हें घूरना बंद करो, इस क्वेश्चन का आंसर देने लायक। देखो बच्चा, कर्ड बटर, चीज एंड क्रीम, ये तीनों के तीनों बच्चा जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्टेंड होते हैं किससे, फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड फ्रॉम मिल्क, कर्ड बटर चीज एंड क्रीम जो बच्चा, ये जो प्रोडक्ट है वो बच्चा मिल्क, अरे भैया आंधी आ गई, जब ये कहो मेरे घर के गेट इतनी तेरे बज क्यों रहे, मतलब मेरा ध्यान भटक गया और बहुत गंदी वाली आंधी आई है भाई,
एक मिनट रुक जाओ बच्चा, एक मिनट रुक जाओ तो इसका जो वो आएगा बच्चा, वो आएगा आपका ऑयल, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ऑयल इसलिए राइट आंसर आएगा क्योंकि ये जो है बच्चा वो आपके मिल्क से ऑब्टेन नहीं होता है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक मिनट आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देन उसके बाद में जरा आप देख। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए, मेरा डोरेमोन अनुज दिवाकर। अरे बहुत गंदी, मतलब ऐसी आंधी मैंने आज तक कभी नहीं देखी, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी ड्रामनी से आंधी आ चुकी हो। ठीक है, चलिए यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो देखा एसिसिनेट मतलब क्या होता है, एसिसिनेट मतलब होता है बच्चा हत्या, क्या होता है बच्चा हत्या, हत्या करना। किल मतलब भी क्या होता है बच्चा, हत्या करना। स्टैब मतलब भी क्या होता है, हत्या। मर्डर मतलब भी होता है आपकी हत्या, लेकिन किडनैप एक ऐसा है जहां पे आपका हत्या नहीं होती, बस किडनैप करके ले जाते हैं। क्या करके ले जाते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका अमृत रोली सुनील पहाड़ी, नेहा सिंह, मृणल अनुज, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। देव कौशिक आप दे रहे हो मेरे को सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तो देव यदि आप डी ऑप्शन दे रहे हो तो आपके लिए एक सजा है, आपके लिए क्या है बच्चा, एक आपके लिए एक ऑनलाइन पनिशमेंट है। वो पनिशमेंट क्या है कि आपको 10 लोगों को सेशन को शेयर करना है। तो स्टैप का मतलब होता है बच्चा पहाड़ भी कह सकते हो, जैसे पहाड़ करना नहीं होता, मतलब पहाड़ मतलब आप ऐसे भाला लेके जय माता दी जय वैसे कुछ कर रहे होते हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहनाई, बैकपाइप, फ्लूट, सितार एंड हारमोनिका। भाई मेरे तो घर के आज दरवाजे टूटेंगे मुझे लग रहा है, आज तो भाई बहुत तगड़ा वाला तूफान आ रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगा मैं डर गई तूफान को देख के ना। शांतनु, अविनाश, भास्कर, ये भास्कर नलायक, वैसे भी 2020 में संभल के रहिए, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। पत्नी एक तो बारिश जाने का नाम नहीं ले रही है बच्चा इस पूरे उसमें, 2020 में हमेशा बारिश आ जाती है, तूफान आ जाता है, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रही चीजें। यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूं, प्रतिमा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रतिमा ज्योति। देखिए बच्चा, शहनाई, बैकपाइप, फ्लूट, सितार एंड हारमोनिका। बच्चा जो आपका जो इसको सितार को छोड़ के बच्चा जो सितार है वो क्या है आपका, सितार क्या है बच्चा, आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है बच्चा, सितार आपका स्ट्रिंग, जो भी आंसर बी और ई दे रहे ना ये आएगा, सितार क्या है आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। और शहनाई, बैकपाइप, फ्लूट एंड हारमोनिका ये क्या है आपके विंड इंस्ट्रूमेंट है। क्या है बच्चा, विंड इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सुगम, पहाड़ी वाले पापा, रमन, अरमान, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन बच्चा, हारमोनिका। कभी आपने हारमोनिका बजाया है, हारमोनिका कैसे बजाते हो, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बजा रहे होते हो, तो वो क्या होते हैं बच्चा, हवा को ले रहा है, वो विंड इंस्ट्रूमेंट है। यदि वो हवा को ले रहा है तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा अभिजीत आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्या है आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है, ठीक है। बैकपाइप पर बच्चा वो होता है पो ऐसे जो होता है ना ऐसे बजाना, बताओ भाई अब दिख रहा होगा मे भी सबको। एक्चुअली में क्या हुआ, आंधी आई है ना उसकी वजह से लाइट चली गई है ना, लाइट चली गई तो एक बार जब कट लगता है तो नेटवर्क भी चला जाता है बच्चा। मुझे लगता है कि अभी भी नहीं आ रहा शायद आपके पास ना, एक मिनट रुक जाओ। देखो अब आ रहा होगा ना, ए नलायक बताओ भाई एक बार कमेंट करके बताओ। दिवाकर, ए चुप कर दिवाकर, नलायक ऐसे कौन बोलता है। ठीक है, सुकांत, चेस, हाँ मेरे बच्चे चले गए मेरी क्लास के बच्चे, मतलब दो मिनट के लिए बफरिंग हो गई, सबने क्लास छोड़ दिया। ऐसे नलायक और इतने बदतमीज मैंने बच्चे नहीं देखे हैं। नलायक पढ़ने लिखने का काम नहीं है, बस भागने की लगी रहती है सबसे पहले। चलो बताओ, अरे कहीं घर नहीं उड़ा है, एक्चुअली में क्या हुआ, लाइट चली गई। अब उन्होंने लाइट तो भगा दी, और लाइट भगाई तो पहले तो अंधेरा हो गया घर में, ठीक है। अंधेरा होने के बाद वो नेट का जो कनेक्शन होता है वो 10 मिनट बाद चलेगा, तो मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट करा। अब देखो एक टीचर क्या क्या करता है फिर, ठीक है। चलो यदि
मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस एंड हॉकी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा? चेस होगा, क्योंकि बाकी के सारे क्या है आपके आउटडोर गेम है। क्या है? आउटडोर गेम है। तो डी ऑप्शन क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंतिका रोली, ऋषभ, रवीना, समीर पहाड़ी, अमृतेश, ऋषभ बजाज, शांतनु, रमन, रवीना, दीप, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लीमा एलगेरे। अब सब इसमें ना, अब देखो सब इसमें ना ऐसे हो जाएंगे, अरे मैम ये क्या हो गया, मैम ये क्या हो गया। बताइए, और मुझे इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है कि इसका आंसर ऐसा क्यों आएगा। बाकी अभी भी बफरिंग हो रही है क्या? क्लास को खत्म करना पड़ेगा क्या? एवा मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्लास को खत्म तो नहीं करना पड़ेगा ना? यदि बफरिंग वफरिंग हो रही है तो बताइए। तो थोड़ा सा इशू है, देखो अब क्या कर सकते हैं। तो नेटवर्क भगवान की माया है, भगवान ही नहीं चाहता था कि भाई बीच में बच्चे जाए, बस भगवान भी ये कह रहा था कि चेक कर लो बच्चा कौन सा पढ़ने वाला है, देख लो पता चल गया कौन सा है। जैसी मैडम गायब वैसे बच्चे गायब। ये नहीं कि मैडम आ जाएगी, 5 मिनट वेट कर लो या 2-3 मिनट वेट कर लो, सब ऊपर वाले की माया है। तो क्यों, अच्छा ये बताओ क्यों आएगा? सिक्स का सी, बाकी सारी कैपिटल है। वेरी गुड बच्चा, न्यूयॉर्क को छोड़ के टोक्यो, बीजिंग, लीमा एंड एल्गर्स, ये क्या है? सारी की सारी क्या है? कैपिटल है कंट्रीज की। तो न्यूयॉर्क क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। रमाकांत, आकांक्षा, अनिरुद्ध, रोली, दिव्या, अमित, हरि कृष्णा, प्रीति, अनुज, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एंड मैंने गायब कर दिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी जस्ट हम 2 मिनट में लगा देते हैं उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। हे भगवान, बड़े आज गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं किसका मैं मतलब मैंने शक्ल देखी है जिंदगी में कि मतलब आज काफ़ी क्लास मेरी बिगड़ गई है ना। पहले बारिश आ गई बहुत तेज, बम 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 बोले सी से। राधे मोहन, कुसुम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए राधे मोहन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राधे मोहन बहुत जल्दी आ गए क्लास में, हैं 1 घंटा जब क्लास को बीत गया, जब तुमने दर्शन दिए, पढ़ने निकले तो काम है नहीं, अभी लड़वा लो तुमसे, तुम्हें अभी लड़वा लो राधे मोहन, फर्स्ट तो तुम ही आओगे, बता दो फर्स्ट तो तुम ही आओगे ना। फिर सपना, उत्तम, कुणाल, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 7th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बताइए बच्चा? पोटेशियम को छोड़कर सारे के सारे आपके क्या आ जाते हैं? मेटल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? मेटल आ जाता है। और बच्चा ये जो है आपका पोटेशियम, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा इसका पोटेशियम। ए ऑप्शन क्या होगा बच्चा? ऋषभ, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। ऑल एक्सेप्ट पोटेशियम आर मेटल यूज इन सेमी कंडक्टर डिवाइस। बच्चा पोटेशियम छोड़कर ऑल मेटल यूज इन सेमी कंडक्टर डिवाइस, तो ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका अमित, बिल्कुल राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आकांक्षा, दीप, राधे मोहन, अमित। मुझे लगता है आज मुझे अपनी क्लास जल्दी खत्म कर देनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरी क्लास में जो मैं अपना नेट यूज़ कर रही हूँ फ़ोन का, वो भी मतलब 60% जा चुका है, मैसेज आया भी, एंड 40% न्यू चुटकियों में चला जाएगा। बड़ी हेक्टिक होता है मतलब चीज़ें ना। तेजिंदर, रवीना, सपना, दिवाकर, अमित, प्रीति, यादव, राम, लखन, नेहा पांडे, अमृतेश, अमित, ऋषभ, राधे मोहन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 8th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा। वेहेल को छोड़कर बाकी के सारे क्या देते हैं? एग देते हैं। क्या देते हैं? एग को देते हैं। वेल आपका एग नहीं देता है। वेल क्या है? आपका मैमल है, तो इसको जो राइट एग नहीं देता है वेल, तो डी ऑप्शन क्या आएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका देव कौशिक, नेहा बिज पहाड़ी, शांतनु जी, अमृतेश, अरमान, सुधांशु, भाग्यश्री, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं ना, वो ना सेशन को 10 लोगों के बीच में शेयर कीजिए। दिस इज नॉट द राइट वे कि मैम भूल गई है, मैम भूली नहीं है। जैसे
ये है अदनन राजा, गलत आंसर दिया है। शेयर करके आइए सेशन को 10 लोगों के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। बच्चा फीदर को छोड़ के, फीदर क्या होता है आपके पंख, फीदर को छोड़ के टेंटिकल्स केस पेसिडियोपोडिया एंड फ्लैगेला, ये चारों के चारों क्या है आपके ऑर्गन है फॉर मूवमेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर शांतनु, गरिमा, उत्तम, ऋषभ, समीर, अलेखिया, रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। समीर, आकांक्षा, भाग्यश्री, ऋषभ, आंचल तोमर, सुधांशु, रंजन मिश्रा। स्लीट, फोग, हेलस्टोन, वेपर एंड मिस्ट, देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन क्या देगा, बताइए 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 बताइए। बच्चे देखिए स्लीट का मतलब होता है आपका, चलो इसके मीनिंग हम बताते हैं आपको, आप सीखोगे वो क्या है। स्लीट का मतलब होता है बच्चा आपके ओले के साथ वर्षा, क्या होता है बच्चा ओले के साथ वर्षा, कहते नहीं कि वर्षा हो रही है ओलों की, वर्षा हो रही है ओले पड़ रहे हैं ऊपर। फोग क्या होता है बच्चा आपका धुंध, ठीक है, मतलब ये भी एक टाइप से ठंड से ही आपका मैटर करता है। हेलस्टोन किसे कहते हैं बच्चा, हेलस्टोन किसे कहते हैं, ओले को कहते हैं, ठीक है। मिस्ट क्या होता है बच्चा, धुंध। एंड वेपर मतलब क्या होता है आपका, भाप। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, या आप ये कह सकते हो वाष्प। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्लीट, फोग, हेलस्टोन एंड मिस्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक ठंड से रिलेट करते हैं, और वेपर क्या होता है वाष्प, जो इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल। रवीना, अभिमन्यु, हरे कृष्णा, रवीना पहाड़ी वाले बाबा, राधे मोहन, राधे आंसर नहीं आ रहा है, तुम्हारी पनिशमेंट है राधे आज की क्लास में, कि तुम किसी भी स्टूडेंट को हाय या हेलो का मैसेज नहीं करोगे, सिर्फ आंसर दोगे, ध्यान रख लेना। एक तुम्हारे और एक त्रिपाठी की, दोनों की, यदि तुम ग्रुप में लड़ाई करोगे तो यही होगा। हाँ बच्चा आप ये भी कह सकते हो बर्फ का तूफान, आप ये भी कह सकते हो ओला, मतलब जो भारी वाले ओले होते हैं ना, मतलब आप उसे बर्फ का तूफान ही कह सकते हो, ठीक है। रवीना, मोहम्मद, अबू जैद खान, सपना कुमारी, अमित, नेहा पांडे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यशी पटेल, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा शांतनु, बिस्किट, चॉकलेट, केक, ब्रेड एंड पेस्ट्री। किस किस के मुंह में पानी आया, बिस्किट एंड चॉकलेट, चॉकलेट का नाम सुनते हैं, बताओ भाई मेरे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी चॉकलेट मुझे मिल जाए, मैं फटाफट गपगप से खा लूं। चॉकलेट को छोड़ के बच्चा सारे के सारे बिस्किट, केक, ब्रेड एंड पेस्ट्री, ये क्या है आपके बेक्ड आइटम्स है, क्या है बच्चा आपके बेक्ड आइटम्स है, क्या है बेक्ड आइटम्स है। तो समीर, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका देव कोशी, सुमित शर्मा, राधे मोहन, ओके डन, बहुत अच्छी बात है। आकाश, बशे, बिट्टू, शीना, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए आप मुझे इन सब का मीनिंग भी बताओगे कि मैम इन सब का मीनिंग ये होता है, यदि मैं आपसे पूछूं कि एम्बश का मीनिंग क्या होता है तो आप कहोगे कि मैम एम्बश का मतलब क्या होता है, किसी को मारना, क्या करना, किसी को घात पहुंचाना, किसी को मारना। एसॉल्ट का मतलब क्या होता है ये बताओ, एसॉल्ट मतलब आप सारे के सारे मेरे को इन सब के मीनिंग बताओगे। देखो डिफेंस का मतलब आप सबको पता है, मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की जरूरत है डिफेंस को, डिफेंस का मतलब आपको क्या बताने की जरूरत है मेरे को ये बताइए। डिफेंस तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। रेड मतलब भी होता है आपका छापा मारना या हमला करना, तो रेड, अटैक एंड असॉल्ट एंड एम्बेश, ये तीनों के तीनों क्या है अटैक की फॉर्म में होते हैं, और डिफेंस का मतलब होता है बचाव करना, क्या करना बच्चा बचाव करना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, रितिका, सुमित, दिवाकर, रंजीत, देवकोशी, रवीना, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप, राधे मोहन, देव कोशिश, सपना, रवीना, ऋषभ, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन का आंसर बिना बताए बिल्कुल रहना नहीं है, और इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।
चलिए बताइए, एंड इसको हम चला देते हैं नेक्स्ट इन क्वेश्चन। आंट बी एंड मोत, इस क्वेश्चन में क्या बनेगा? यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, आकांक्षा, प्रतिमा, ऋषभ, आंटी, आरती वर्मा, उत्तम, आंट बी, मोत, मिस एंड स्पाइडर। अच्छा मुझे ये बताओ, मिस का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या होता है? हैं राधे मोहन, हैप्पी मदर्स डे। अच्छा राधे मोहन, आज बटरिंग मत करो, आज तुम डांट खाओगे। वैसे थैंक यू, लेकिन तुम आज डांट खाओगे मेरे से। मेज मतलब क्या होता है बच्चा? आपका कीड़ा होता है। मोथ मतलब क्या होता है? आपका पतंग। पतंग मतलब वो मत समझ लेना ऐसे काइट वाली पतंग, नहीं, जो पतंग नहीं होते कीड़े, पतंग बोलते हैं कि पतंगा उड़ रहा है, बाहर मत जाओ, खा जाएगा, चिपट जाएंगे तुम्हारे, ऐसे बोलते हैं ना। तो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए बताइए बच्चा, सिर्फ स्पाइडर की लैग कितनी होती है? स्पाइडर की लेग कितनी होती है, कभी आपने सोचा? देखो बच्चा, ये सारे के सारे आपके इंसेक्ट हैं। क्या है? इंसेक्ट। आंट भी इंसेक्ट, बी भी इंसेक्ट, पतंग भी इंसेक्ट, कीड़ा भी इंसेक्ट है, स्पाइडर भी आपका इंसेक्ट है। तो आप मुझे ये बताइए, इनमें से आपका डिफरेंट क्या आएगा? बताओ। स्पाइडर, अच्छा क्यों आएगा? कीट पतंग, वेरी गुड दिवाकर, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था, कीट पतंग, ठीक है कीट पतंग, बताओ। अच्छा ई ऑप्शन क्यों आएगा? ए ऑप्शन आंट क्यों आएगा? अच्छा दिवाकर, स्पाइडर क्यों आएगा? मैं रीजन पूछ रही हूँ, क्योंकि आप लोग आंसर तो दे रहे हो, लेकिन रीजन आप मेरे को बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, दिवाकर, सपना, अविनाश, अचिंत्या, ऋषभ, अनुज, राधे मोहन, अमित, डी ऑप्शन, ई ऑप्शन, स्पाइडर के आठ लेग होते हैं। वेरी गुड अविंतिका, क्योंकि बाकी के सबके क्या होते हैं? चार लेग होते हैं। स्पाइडर को छोड़ के स्पाइडर के कितनी टांगे होती हैं? आठ लेग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ई ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है गरिमा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए 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 भाई बताओ। बड़ा दिक्कत से हो जाती है जब लाइट चली जाती है, तो पता नहीं मेरा फ़ोन में ये एक घंटे तक नेट चलेगा या नहीं चलेगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं बहुत अपना वो कर रही हूँ कि ये नेट एक घंटे तक एटलीस्ट चल जाए, क्योंकि अभी तो एक बजे मेरी क्लास ख़त्म होगी। ठीक है, और अभी तो मैं बताना भूल गई, अभी तो इसमें जब जैसे ही सेशन ख़त्म होगा ना, बढ़िया बढ़िया ऑप्शन आने वाले हैं आप लोगों के लिए, मैं तो भूल गई बताना, शिट, मिक्स क्वेश्चन आएंगे फिर। आकांक्षा, हाँ आकांक्षा, क्योंकि उसकी लैग जो होती है वो बहुत ज़्यादा। अच्छा मैं तो एक मैं किस्सा सुनाती हूँ, आपको पसंद आएगा। अब पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, देन बच्चा वाइट को छोड़ के बाकी के सारे कलर किस में आते हैं? रेनबो में आते हैं। तो डी ऑप्शन क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन क्या हुआ, मैं किचन में थी एंड मतलब मैं अपने फ्लैट पे थी गुड़गांव में, एंड मैं और मेरी फ्रेंड रहती थी दोनों, तो वो अपने ऑफिस से आई आई थी, तो उसने सोचा कि चल कुछ बनाते हैं, एंड हमने देखा वहाँ पे इतना बड़ा कॉकरोच, कॉकरोच होता है ना उड़ने वाला, कॉकरोच उड़ने वाला कॉकरोच था, एंड जैसे ही हमने उसे भगाने की कोशिश करी वो उड़ के दूसरे स्थान पे चला गया और हम डर गए। अब एक कॉकरोच और छिपकली से तो वैसे ही मेरी आत्मा बाहर निकली जाती है, तो जैसे ही वो कॉकरोच पास आने लग गया तो मैंने ना उसको ना मार तो दिया कैसे ना कैसे, उस पर हिट विट छिड़क के, क्योंकि वो हमें खा जाता, अब हमें खा जाता तो फिर दिक्कत आ जाती ना, मतलब अजीब सा था, खाता क्या मतलब फिर भी अजीब सा होता। तो मेरी फ्रेंड ने क्या करी, उस पर हिट छिड़क दी। मैं तो मारती नहीं किसी भी जानवर को, मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी भी इंसेक्ट को मारना, तो उसने हिट छिड़क दी तो वो ऐसे उल्टा हो गया। कॉकरोच जब मरने वाला होता है ना वो ऐसे उल्टा हो जाता है। मैंने पूरी PhD कर ली थी उस टाइम कॉकरोचों के ऊपर, क्योंकि बहुत निकलते थे कॉकरोच। हमने दो महीने में ना दुखी होकर हमने फ्लैट ही छोड़ दिया। तो जब वो कॉकरोच निकला तो कॉकरोच के मैंने टांगे गिन रही थी बैठ के एक दिन, कि कॉकरोच की कितनी टांगे होती, क्योंकि वो उल्टा हो गया तो ऐसे ऐसे अपने हाथों पैरों को हिला रहा था। चलिए यदि मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो 15 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा? देखिए, पॉइंट को छोड़कर एक्टर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड डांसर, ये कहाँ पे परफॉर्म करते हैं? स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। तो ई ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आएगा अमित, ई ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ई अदर्स आर परफॉर्मर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधे मोहन, समीर, दिवाकर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऋषभ, रवीना, अनुज, अमृत, अनिरुद्ध, अरे ठीक है वो ना खाता लेकिन वो डराता तो सही, कैसा सा होता है वो उड़ उड़ के जाता है, अजीब सा, या अजीब सा है वो बिल्कुल, ठीक है। हाय जी प्रतिमा ज्योति, आपका मैं दो तीन बार नाम ले चुकी, प्रतिमा ज्योति सिंह, ऋषभ बजाज, दिवाकर, अमृतेश, आकाश, राधे मोहन, अमित, ऋतिका, सपना कुमारी,
इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 16 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहाड़ी वाले बाबा, अमित, ऋषभ, आकांक्षा, श्याम, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मैकेनिक, मेसन एंड ब्लैकस्मिथ। यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूं तो बच्चे मैकेनिक को छोड़कर सारे के सारे आपको घर बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो मैकेनिक क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर आएगा, जबकि ये क्या करते हैं, गाड़ियों को सही करता है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा? अच्छा, ई ऑप्शन क्यों आएगा? घर बनाने में हमारा ब्लैकस्मिथ का कोई हाथ नहीं होता। मुझे ये बताओ, घर बनाने में क्या हमारे ब्लैकस्मिथ का हाथ होता है? अच्छा, पहले ये बता दो, ब्लैकस्मिथ का मतलब भी पता है आपको? ब्लैकस्मिथ का मतलब पता है, लोहार। ठीक है, क्या हमें वहां पे लोहार की जरूरत नहीं पड़ती? घर जब वो बना रहा होता है, क्या हमें लोहार की जरूरत नहीं पड़ती? खूब पड़ती है नलायक। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, या आप ये कह सकते हैं बिल्डिंग को खड़े करने में जरूरत पड़ती है इनकी। ठीक है, ए अचिंत्या, थैंक यू बच्चा, बिट्टू, श्रीजन, रवीना, मोहम्मद, अबू, जैद खान। अभी सेशन लाइक नहीं हो रहा भाई, ये गलत है, अभी तुमने सेशन लाइक नहीं करा। और ये कौन सा बच्चा है जिसने सेशन डिसलाइक कर दिया है? मतलब उसे शर्म नहीं है बिल्कुल भी कि टीचर मेहनत कर रहा है? कतई शर्म नहीं है बिल्कुल। अनु, दरवाजा बनाते हैं लोहार, आपका मेन गेट को वो क्रिएट करते हैं लोहार। ठीक है, अवंतिका, वो इंजीनियर आपकी हेल्प जरूर करता है कहीं ना कहीं आपको। ठीक है, यदि आपका कहीं सिविल का इंजीनियर हुआ तो वो आपकी कहाँ हेल्प करता है? हेल्प करता है ना। ठीक है बच्चे, मैं सारे इंजीनियर की बात नहीं, ऐसे तो मैकेनिकल इंजीनियर भी होता है, अलग टाइप के इंजीनियर होते हैं। जो सिविल इंजीनियर होता है वो क्या करता है? हेल्प करता है। तो बच्चा वही होता है, मैं सारे इंजीनियर वो नहीं कर रही, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रही। इंजीनियर डिफरेंट टाइप्स के इंजीनियर होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, सिविल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर होते हैं, ये सारे के सारे इंजीनियर ही तो होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं। चलो यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, एशिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चा? अर्जेंटीना को छोड़कर सारे के सारे आपकी क्या है, कॉन्टिनेंट है, और अर्जेंटीना क्या है, आपकी कंट्री है। तो बी ऑप्शन दिवाकर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा अदनान, भास्कर, पहाड़ी वाले बाबा, रवीना, प्रीतम, भास्कर, प्रीतम, ज्योति, अभिमन्यु। जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सुकेश, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सुकेश, आपको अभी मैंने बताया, समीर ने आपको दे चुका है आपको हेल्पलाइन नंबर, वेरी गुड आकांक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राधे मोहन, अनुज, अनिरुद्ध, भास्कर, रवीना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राधे मोहन, बटरिंग बिल्कुल भी मत करो, मैं आपसे गुस्सा हूं। ठीक है बच्चा, देखो चौक को छोड़कर ये होती है आपकी इलायची, इसको छोड़कर बच्चा आपके टी, चिंचोना, रबड़ एंड इलायची, ये तीनों के तीनों आपको किससे मिलते हैं? क्रॉप से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? फसल से मिलते हैं। चिंचोना मतलब होता है छाल, तो ये किससे मिलता है आपको? क्रॉप से मिलते हैं। और चौक आपको क्रॉप से नहीं मिलता आकांक्षा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ई ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर, अलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा, माथुर नहीं है ये, मथुरा है, मथुरा। ठीक है, हरिद्वार, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रीति, अमृत, प्रीतम, आकांक्ष, अमित, सुमित, रवीना, एस, सोमावंशी, प्रीति यादव, ऋषभ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अवंतिका? जो कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बताइए बच्चा, मथुरा को छोड़कर, आप ये कहोगे मथुरा को छोड़कर सारे के सारे आपके क्या है, रिवर के, कौन सी, गंगा रिवर के पास है, एंड मथुरा आपकी यमुना रिवर के पास है। और कुछ लोग इस क्वेश्चन का आंसर हरिद्वार भी देंगे, वो हरिद्वार इसलिए देंगे कि ऑल जितनी भी सिटीज है वो यूपी से रिलेटेड है, और हरिद्वार आपके उत्तराखंड से रिलेटेड है। क्या है बच्चा? उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो इसके दो आंसर मैंने आपको बताए हैं, मथुरा या हरिद्वार। ठीक है, और दोनों की एक्सप्लेनेशन भी मैंने आप लोगों से डिस्कस करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शोल्डर, फुट, एल्बो, आर्म एंड फिंगर्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो आंसर गलत देगा वो करेगा 20 लोगों को शेयर, क्योंकि क्वेश्चन ईजी है, मुश्किल है ही नहीं। अनिरुद्ध शर्मा, ऋषभ दिवाकर, पहाड़ी, आकांक्षा सिंह, कुसुम सिंह, बताइए।
मथुरा बाकी सारे रिवर्स के बच्चे बच्चे मथुरा भी आपका रिवर्स के पास है। यमुना आपने सुना है ना, कृष्ण गाथा तो सुनी होगी ना आपने कि किशन जी को उनके जो पापा हैं वो यमुना रिवर से गोपा वहां पे लेके आए थे, कहाँ पे लेके आए थे मैं भूल रही, गोकुल लेके आए थे, सुना है ना। तो बच्चे यमुना नदी के पास, यदि आप मथुरा घूमने जाओगे तो वो यमुना नदी के पास पड़ता है आपका मथुरा। ठीक है, नंबर कितने दिए हैं सुकेश, नंबर किसे, अरे समीर ने दिया है शोल्डर फुट। देखो बच्चे शोल्डर क्या होता है, कंधे। एल्बो क्या होता है, ये कोहनी। आर्म्स क्या होते हैं आपके, आर्म क्या होता है बच्चा, आर्म होते हैं ये, आपको यहाँ से पकड़ लिया आर्म्स, मतलब ऐसे ऐसे कर लिया आर्म्स, ठीक है आर्म्स में ऐसे होते हैं। फिंगर्स इज ये, तो बच्चा शोल्डर एल्बो आर्म एंड फिंगर बॉडी पार्ट्स भी मैं आपको समझा रही हूँ, बताओ ये क्या है, आपके हैंड से रिलेटेड है, जबकि जो फुट है बच्चा वो आपके पैरों से रिलेटेड है। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा कुसुम, राधे, मोहन, रवीना, सौम्या, सपना, प्रीति यादव, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रोज, लोटस, मारिया, गोल्ड, लिली एंड तुलिप, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। वेरी गुड, सारे के सारे बच्चे बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड। चलिए बच्चा, यस मैम डिफरेंट रिवर लिखना मिस हो गया, हाँ बच्चा बिल्कुल। बच्चा लोटस, लोटस क्या होता है, आपके पानी में ग्रो करता है, किस पे, वाटर में ग्रो करता है, जबकि रोज, मारीगोल्ड, लिली एंड तुलिप आपका लैंड पे ग्रो करता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दिवाकर, माही, अनुज, प्रतिमा, ज्योति, कुसुम सिंह, एस ओ मानशी, दिवाकर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बुक, पेपर, पेंसिल, पेन एंड शार्पनर। यदि मैं बुक, पेपर, पेंसिल, पेन एंड शार्पनर के बारे में बात करूं तो बुक, पेपर, पेंसिल, पेन, शार्पनर का आंसर क्या आएगा, पहाड़ी वाले बाबा, राधे मोहन, रितिका, विशाल, बताइए, सुजीत कुमार, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लोटस वाटर, बिल्कुल सही, बिल्कुल बच्चा लोटस वाटर पे, बच्चा मुझे लगा लोटस एंड वाटर क्या हो गया, कॉम्बिनेशन क्या हो गया बच्चा। देखिए ऑल एक्सपेक्ट बुक्स आर स्टेशनरी आइटम, बच्चा इन सब को छोड़कर, मतलब बुक को छोड़कर सारे के सारे आपके क्या है, स्टेशनरी आइटम्स हैं। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाजरा, मस्टर्ड, राइस, व्हीट एंड बार्ले, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और इसका देखो बच्चे मस्टर्ड मतलब क्या होता है, सरसों, ठीक है, और बार्ले मतलब क्या होता है आपका, जो, ठीक है बच्चा। मस्टर्ड को छोड़ के सारे आपके क्या है, फूड ग्रेन्स है, क्या है बच्चा, फूड ग्रेन्स है, लेकिन मस्टर्ड क्या होता है आपका, ऑयल ग्रेन होता है, क्या होता है बच्चा, मस्टर्ड क्या होता है आपका, ऑयल सीड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होगा आपका बी ऑप्शन, आपको पता है ना मस्टर्ड इज द क्या कहते हैं हम, सरसों का तेल, सरसों का तेल ऐसे बोलते हैं ना। तो ऋषभ बजाज, माही, क्यूट, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स एंड अर्थमेटिक, यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, आचल, समीर, अभिमन्यु, प्रीति, अनिल, जन्मेंजो, आज आपके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो। इतने हम क्या कर लेते हैं, नेट को अपने वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा नेट बढ़िया तरीके से चल जाए, बीच में हमें दिक्कत ना हो। मेरे ख्याल से अभी नेट नहीं आया है भैया, ये तो दिक्कत हो जाएगी, क्लास बीच में रुक जाएगी, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, ये कैसे चल जाए, दिक्कत हुई होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये प्रॉब्लम आप बिल्कुल करोगे, ठीक है। चलिए तो बच्चे मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूँ, तो ज्योमेट्री, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स एंड अर्थमेटिक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि ज्योमेट्री, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक, ये क्या है, तीनों की तीनों ब्रांच है किसकी, मैथमेटिक्स की ब्रांच है। तो डी ऑप्शन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, राधे मोहन, आकांक्षा, दिवाकर, अवंतिका, सुजीत, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सो एस सोमांशी, श्रीजन, राधे मोहन, सुकेश, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए चक्षु, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पोलैंड, ग्रीस, स्पेन, इटली एंड कोरिया, 25th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखो बच्चा कोरिया क्या है, आपकी एशियन कंट्री है, क्या है बच्चा, कोरिया आपकी एशियन कंट्री है, और बाकी की सारी जो आपकी पोलैंड हुआ या ग्रीस हुआ, स्पेन हुआ,
स्पेन हुआ, इटली हुआ, शत्रुघ्न कुसुम अनिल, ये सारी की सारी क्या है आपकी यूरोपियन कंट्री है। तो ई ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा बिट्टू प्रसाद शुभंगी पांड्या, जन्मेजय प्रीति, ई ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, भूख लग रही है अब तो मेरे को, ठीक है अभी देख लो मेरी पेड क्लास है 1:30 बजे आप लोगों के साथ, तो 3 बजे ही हो पाएगा अब तो। चलो काफ का पिगलेट डकलिंग एंड हाइड्रिलिंग, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए बच्चा, हाइड्रिलिंग को छोड़ के काफ का पिगलेट एंड डकलिंग, ये क्या है, तीनों चारों के चारों यंग वन है, किसके, एनिमल्स के क्या है, बच्चे हैं, जबकि हाइड्रिलिंग क्या है बच्चा, इन सबसे बिल्कुल अलग है, क्या है बच्चा, हाइड्रिलिंग इन सबसे बिल्कुल अलग है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो आएगा आपका हाइड्रिलिंग, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शीशन ऋषभ बिट्टू प्रसाद अमृतेश, नेक्स्ट क्वेश्चन स्केच डायग्राम पोस्टर चार्ट एंड पेपर, क्या होगा इसका राइट आंसर, स्केच डायग्राम पोस्टर चार्ट एंड पेपर 27 का जो राइट आंसर बनेगा बच्चा वो क्या बनेगा, स्केच डायग्राम पोस्टर एंड चार्ट किसके लिए होते हैं, पोस्टर किसी ना किसी डायग्राम के लिए, स्केच, तो बच्चा इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चा वो क्या होता है आपके लिए, ड्रॉ करने के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं, यूज किए जाते हैं ड्रॉ करने के लिए। तो इसका जो राइट बच्चा आएगा वो आएगा आपका ई ऑप्शन, पोस्टर पे आप ड्रॉ करोगे, चार्ट पे आप ड्रॉ करोगे, पेपर पे तो आप लिखते हो ना, तो ई ऑप्शन क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीटर फर्लोंग यार्ड माइल एंड एकड़, यदि आप इस क्वेश्चन के बारे में बात करो तो मुझे ये बता दो कमेंट करके कि फर्लोंग का मतलब क्या होता है, बताइए बताइए फर्लोंग का मतलब क्या होता है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। बच्चा सारी की सारी जो मेजर होती है आपकी एकड़ को छोड़ के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है, एंड जो एकड़ होता है बच्चा वो एरिया को मेजर करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार मैं आपको बता चुकी हूं, तो अमित इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ई ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, चीता लायन बियर टाइगर एंड लेपर्ड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा आपका डिफरेंट होगा। यदि बच्चे मैं बात करूं तो भाई देखो चीता लायन टाइगर एंड लेपर्ड ये जो चारों के चारों है बच्चा वो आपके बिलोंग करते हैं कैट फैमिली से, किससे, कैट फैमिली से, नीतू रवीना श्याम शर्मा कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन बियर आपका कैट फैमिली से बिलोंग नहीं करता। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, फ्लूट गिटार सितार वायलिन एंड वीणा, इस क्वेश्चन का आंसर दिवाकर ब्रीजर शुभांगी भाग्यश्री मेरा डोरेमोन अवंतिका सुकेश प्रतिमा ज्योति अनिके रितिका शत्रुघ्न अविनाश धनंजय आकांक्षा सिंह, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चा, फ्लूट को छोड़ के, फ्लूट क्या थी जो किशन जी भगवान बजाते थे, फ्लूट को छोड़ के गिटार सितार वायलिन एंड वीणा ये क्या है आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्या है ये सब आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, और फ्लूट क्या है आपका विंड इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि ये जो आकृति है वो किस में आपकी छुपी हुई है, रवीना प्रीति एस सोमांशी फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर भाग्यश्री अमित पहाड़ी ऋषभ ऋतिका रवीना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए अब मजा आएगा इस क्वेश्चन में, लेट्स सी कि कितने बच्चे सही आंसर देते हैं, ठीक है चलिए बताइए, रवीना अविनाश ध्यान से बताना, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन। देखो ये जो लाइन जा रही है बच्चा वो ऐसे करके, ये ज्यादा गैप ले रहा है तो ये ज्यादा गैप नहीं आ रही, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा गैप आ रहा है, और बच्चा ये जो लाइन जा रही है वो कहाँ जा रही है आपके बीचों बीच जा रही है, मतलब कोने में भी नहीं जा रही, तो ये गलत, ये कोने में जा रही है, ये गलत, ये गलत, बचा कौन सा, ये सिर्फ बचा आपका सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन क्या आएगा,
बिल्कुल राइट आंसर बनेगा नेहा, संगीता, रवीना, जानवी, समीर, एसोमांशी, आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि बच्चा मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो इस क्वेश्चन में टाइमर भी लगा देते हैं, तो दिवाकर, रवीना, ऋषभ, राधे मोहन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अलग है, डिफरेंट है। अब देखो जो जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे वो मिक्स क्वेश्चन आएंगे अब आपके लिए, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे, क्योंकि अभी हम कर रहे थे एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन, वहाँ पे बच्चा ज़रूर फंसता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको उसके कराए हैं। इन क्वेश्चनों को आप फिर भी मेहनत करोगे तो आ जाएगा। देखो यदि बच्चे मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो ये बन रहा है आपके किस में? सी ऑप्शन में। किस में बन रहा है? ये जो बन रहा है बच्चा वो आपका बन रहा है किस में? सी ऑप्शन में बन रहा है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा? ऋषभ, ए ऑप्शन कहाँ से बन रहे? ध्यान से देखो, मैंने आपको बना के भी दिखाया है कि ये जो डायग्राम है वो कैसे सी में बन रहा है। तो सपना, देव, जन्मेंजो, महतो, अनिकेत, श्रीजन, देव, शत्रुघ्न, ऋषभ, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत खूबसूरत तरीके से आप आंसर बताइए। रवीना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, तो भाई बताना तो पड़ेगा। यदि बताना पड़ेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? देखो बच्चे, यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो देखो ये आपका बन गया यहां से ये, ठीक है। देन उसके बाद बच्चा ये लाइन गई ऐसे, ये लाइन गई ऐसे, ये लाइन ऐसे। देन उसके बाद बच्चा ये जो आपका बना वो हमारा ऐसे करके ऐसे गया और ये हमारा ऐसे बन रहा है, जो कि सिर्फ आपके बी ऑप्शन में बन रहा है। तो सौम्या, इसका जो राइट आंसर आएगा, यदि मैं इस आकृति को रोटेट कर दूं तो ये रोटेट करने के बाद नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसे ही बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बी ऑप्शन की तरह इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। मुश्किल क्वेश्चन कतई भी नहीं है। बताइए कि कौन सी आकृति किसमें छुपी हुई है? चलो भाई टाइमर लग चुका। नेहा, कुसुम, ऋषभ, हाँ ऋषभ बताइए आपको क्या बात सुनानी है? श्रीजन, नीतू, अनिरुद्ध, आकांक्षा, मिशन, अविनाश, रवीना, बाकी के सारे बच्चे भाग गए, भाग गए। श्री, रोहन, पढ़ने का नाम नहीं है नलायकों को। और जब मैं क्लास नहीं लूँगी ना, जब मैम क्लास नहीं ले रहे हो आप एफ कैच की, मैम आप कहाँ चले गए, मैम हम आपको मिस कर रहे हैं, ये मेरे अलग से प्राण पीते हैं। देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चा वो क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये जो आकृति बन रही है बच्चा वो किस में बन रही है? आपके ए ऑप्शन में बन रही है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम का है, और एफकेट में वेन डायग्राम आते हैं शार्क, वेल एंड टर्टल। टर्टल इज कछुआ, शार्क एंड वेल आपको पता है, तो बताइए कि ये किस डायग्राम को आपका सेटिस्फाई करता है? टाइमर आपके स्क्रीन पर है। देव, कोशिश, सुकेश, अरे भाई बताओ भाई, राधे मोहन, अमितेश, राखी, आर्यन, रंजीत, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा। यदि बच्चे मैं वेरी गुड, वेरी गुड जानवी, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो नलायक ए नहीं बनेगा, सी बनेगा। शार्क, वेल एंड टर्टल तीनों अलग अलग हैं अपने में ही, शार्क अलग है, वेल अलग है, टर्टल अलग है। तो सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगमेंट सी, टीज एंड किडनी बीन्स, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट करके बताइए कि क्या बनेगा भाई। देखिए इसका मतलब होता है आपके फलिया बीज, ठीक है। इसका मतलब पता है आपका क्या होता है? किडनी बीन्स। अच्छा आपने कभी राजमा को देखे हैं? आपने कभी राजमा को देखे हैं? राजमा कैसे लगते हैं आपके? किडनी की तरह लगते हैं। राजमा जो होते हैं वो हमारी किडनी की तरह लगते हैं, तो उन्हें बोला जाता है किडनी बीन्स राजमे को, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जैसे जो अखरोट है वो कैसा सा लगता है, यदि आप उसे ओपन करोगे तो वो हमारे दिमाग की शेप जैसा होता है ना, कभी आप देखना। एंड पीस मतलब होता है आपके बच्चा मटर, ठीक है। पीस मतलब क्या होता है आपके मटर। देखो बहुत बढ़िया चीज़ मैंने आपको बताई है,
मोहम्मद अबू जैद खान, हिंदी में बताओ बच्चा, ए मोहम्मद अबू जैद खान। यदि आप क्लास में लेट आए हो तो मैं आपको एक बहुत अच्छी से चीज बता दूं, ये एफ कैट के बैचलर, और एफ कैट में जो क्वेश्चन आते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं, और मैं फिर भी मेहनत करके आपको हिंदी में क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। हाँ वेरी सही कहा ऋषभ, पहली क्लास है किसी ने आज मेरा नाम नहीं पूछा। बच्चा देखो लीगमस सीड्स में क्या आते हैं, आपके पीस एंड किडनी बीन्स दोनों आते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। बच्चा जो इसमें आएगा ना बच्चा, वो दोनों में आएगा, आपके पीस भी इसमें आएगा, किडनी बीन्स भी आएगा, लेकिन किडनी बीन्स एंड पीस जो होगा वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। कहाँ से डी ऑप्शन दे रहे हो भाई इसका आंसर, अविनाश शत्रुघ्न, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन रोज एंड जैस्मीन, गार्डन रोज एंड जैस्मीन का आंसर क्या बनेगा, फटाफट से। रवीना, सौम्या, भूपेंद्र, आर्यन, राधे मोहन, मोहम्मद अबू जैन खान। अच्छा मोहम्मद अबू जैद खान, आप पता चल गया आपको, जो किडनी बीन्स होते हैं मोहम्मद, हमेशा ध्यान रखो किडनी, किडनी किससे रिलेट करते हैं, आपने किडनी की शेप किस में देखी, राजमा में, तो राजमा आएगा, ठीक है। निखिल मिश्रा, चलो अच्छे लग रहे हैं निखिल मिश्रा आज के क्वेश्चन, बच्चे मेरे क्वेश्चन हमेशा अच्छा होता है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आज के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। हाँ चलो बच्चा, चलो गार्डन में क्या आते हैं, आपके दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं, रोज एंड जैस्मीन, गार्डन में क्या होते हैं, दोनों टाइप के आपके फ्लावर होते हैं, रोज एंड जैस्मीन, तो बी ऑप्शन क्या आएगा, सृजन, अविनाश, रवीना, प्रीतम, आंचल, नीतू जोशी, श्याम शर्मा, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि गार्डन में आपको दोनों मिलते हैं, रोज एंड जैस्मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अरे डायग्राम गायब है, डायग्राम गायब है, तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो डायग्राम गायब है तो ही बोल दो नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्रिश्चियन, कैथोलिक्स एंड पोप। मुझे पता है यहाँ पे बच्चे जो हैं वो सारे के सारे नन ऑफ दीज देंगे, लेकिन ध्यान रखना इसका जो आंसर है वो आपका नन ऑफ दीज नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दीज इसका आंसर नहीं आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बच्चा ये होता है आपके रोम के ईसाई, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं रोम के पादरी, ठीक है, मतलब पंडित। कैथोलिक होता है बच्चा आपके रोमन ईसाई, क्रिश्चियंस मतलब क्या होते हैं आपके ईसाई, तो बच्चा यदि आपका रोम का पादरी है तो वो आ गया आपका पोप, और रोम का पादरी किसके अंदर आएगा, सारे कैथोलिक्स के अंदर आएगा, क्यों, क्योंकि कैथोलिक्स होते हैं आपके रोमन ईसाई, एंड रोमन ईसाई किसके अंदर आएंगे, क्रिश्चियंस के अंदर आएंगे, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सपना, राखी, अविनाश, अवंतिका, राधे मोहन, जन्मेंजो महातो, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, राधे मोहन। फटाफट से क्लास को ले ले, देख तेरी आज मैं हड्डियां तोड़ दूंगी, नहीं तो आज मैं बता रही हूँ, अभी तो मुझे तेरे ऊपर से छू नहीं गया है, ठीक है, और मैं उन्हीं से नाराज होती हूँ जो मेरे अपने स्टूडेंट्स होते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो फ्लेक्सीबल मतलब क्या होता है, लचीलापन, रिजिड मतलब क्या होता है, अपने आप में रहना, फ्लेक्सीबल हर एक किसी के साथ घुल मिल जाना, रिजिड अपने आप में रहना, मैं तो नहीं रह रहा उसके साथ ऐसे नक्चड़ा टाइप का, तो श्याम नहीं बच्चा, अल्ट्रा 24/7 की ऑफलाइन क्लास तो नहीं है, ऑनलाइन ही है बच्चा, ठीक है। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, बच्चा जो फ्लेक्सिबल है वो रिजिड का क्या है, एंटोनियम। तो कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है बच्चा, अपने ऊपर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है हमें आप पे, ठीक है, तो इसका जो बच्चा एंटोनियम्स आता है, कॉन्फिडेंस का जो एंटोनियम्स आता है वो होता है आपका डिफिडेंस, नलायक, डिफिडेंस होता है, स्केयर नहीं होता, स्केयर मतलब होता है डर, डर रहे हो, स्केयर, और इसका मतलब होता है कायर, इंडिफरेंट मतलब होता है अलग, हाय हाय कतई कतई ऐसे नलायक बच्चे हैं। कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस का जो मतलब होता है, जो अपोजिट होता है वो आपका डिफिडेंस होता है, ये तो पता नहीं, मुझे लगता है कि आपके हर एक किसी में आता होगा, झिझक करना, लज्जा करना, मतलब अपने ऊपर आत्म भरोसा नहीं है किसी के ऊपर, तो डिफिडेंस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बच्चा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, देखो मिराज मतलब क्या होता है, मृग तृष्णा, मिराज मतलब क्या होता है आपका, मृग तृष्णा, तो शत्रुघ्न, अविनाश, राधे मोहन, रवीना,
प्रणव यादव, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इसको। और जो भी न्यू स्टूडेंट है वो सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें आपके अपने चैनल को, ठीक है, क्योंकि ये आपका ही चैनल और मुझे ऐसा लगता है आपको लाइक एंड शेयर जरूर करना चाहिए। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है सेशन, वो सेशन को लाइक जरूर करें, ठीक है, क्लियर है। बच्चे यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो देखो देखो मिराज मतलब होता है आपका मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है, आपने कभी देखा है, यदि आप डेजर्ट में, हम रेगिस्तान जाते थे, मतलब हमारे घर वाले, हमारे मॉम डैड हमें वहाँ लेके जाते थे रेगिस्तान, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए भगवान जी के, तो वो राजस्थान में पड़ता है। तो मैं जब पापा के साथ बैठी रहती थी आगे, तो देन मैं देखती थी कि हमें दूर से दिख रहा है कि सड़क पर पानी दिख रहा है, लेकिन वो पानी नहीं होता, तो वो किसकी वजह से, हॉट वाटर की, मतलब डेजर्ट से ऐसा होता है, तो वो होता है आपकी मृग तृष्णा। आपका भ्रम है कि वहाँ पर आपके क्या है, पानी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सेम बच्चा रेन के बाद क्या आता है, आपका रेनबो आता है। क्या आता है बच्चा, रेन में क्या आता है, आपका रेनबो बनता है। उसी प्रकार जो बच्चा, जो रेनबो होती है, इज एन आर्क ऑफ सेवन कलर फॉर्म इन द स्काई व्हेन द सन शाइन थ्रू रेन। जब बच्चा, जो सन होता है, जब वो रेन के बाद उगाया जाता है, तो उसकी क्या जाती है, रेनबो बन जाता है। इमेज इज मिरर, हे राम, है कैसे भाई, कैसे बच्चा, ये नहीं आएगा आपका, मतलब आपका जो वो है डी ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, डी ऑप्शन नहीं बनेगा। सॉरी सॉरी बच्चे, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बी बनेगा, कि जो रेनबो है बच्चा वो कहाँ बनता है, स्काई में। तो उसी प्रकार जो मिराज है, जो मृग तृष्णा होती है, वो डेजर्ट में बनती है, नहीं अवंती का सी नहीं आएगा, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं गलत पढ़ लिया। तो बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवीना, अविनाश, कुसुम, योगेश, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे। योगेश, यदि वो हाईवे पर दिखता है, किसकी वजह से दिखता है, गर्म चीज की वजह से दिखता है, डेजर्ट में, ये नहीं कह रही कि डेजर्ट में ही दिखेगा, दिखता वो हाईवे पे ही है, वो गर्म गर्म हॉट जो होती है उसकी हवाओं, उसकी वजह से दिखता है वो, ठीक है। अरे नंबर नहीं दिया किसी ने सुकेश का, सुकेश को, वो बेचारा इतनी देर से मांग रहा है, तो आप लोगों को उसका फर्ज नहीं बनता। बच्चा जो एनीमिया होती है वो बीमारी होती है, किसकी वजह से, लैक ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड की बीमारी, मतलब जिसमें ब्लड की कमी हो उसे क्या कहा जाता है, एनीमिया। तो उसी बच्चा बच्चा जो अनार्की होता है वो किसकी वजह से होता है, जो अनार्की होता है बच्चा वो होता है आपका लैक ऑफ गवर्नमेंट। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल राखी, मैंने वही बताया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करते करते मैंने रेन और रेनबो मार दिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका क्या, गवर्नमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। अनार्की मतलब इस अनार्की मतलब अर्थव्यवस्था, या आप ये कह सकते हैं अव्यवस्था, अव्यवस्था होना या शासनहीन होना, शासनहीनता होना। तो शासनहीनता किसकी वजह से होगा, लैक ऑफ गवर्नमेंट की वजह से होगा, लैक ऑफ गवर्नमेंट की वजह से होगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा, विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष, नेक्स्ट क्वेश्चन अविनाश, रवीना, दिवाकर, प्रीति मौर्या, प्रतिमा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिम्फोनी इज कंपोजर एंड पेंटर इज, और मुझे एक्सप्लेन करो। अरे एफकेट में रीजनिंग आता है या नहीं आता है, मैं बस रीजनिंग आता है क्या। अरे श्याम शर्मा, मैथ भी आता है, मैथ की क्लास 9 बजे हुई थी। बी इज आर्ट, कैसे, अच्छा मुझे बताओ कैसे और क्यों, अच्छा मुझे एक्सप्लेनेशन दीजिए कि बी और आर्ट क्यों आएगा, बताओ। मतलब यदि पेंटर इज द आर्ट तो सिम्फोनी, अच्छा सिम्फोनी का मतलब क्या होता है ये बताओ, सिम्फोनी का मतलब क्या होता है, सिम्फोनी का मतलब होता है बच्चा आपकी स्वर की रचना करना। कंपोजर का मतलब होता है आपका संगीतकार।
कंपोजर का मतलब क्या होता है, आपका संगीतकार। तो उसी प्रकार जो बच्चा पेंटर है वो किससे रिलेट करेगा, जो पेंटर है बच्चा वो किससे रिलेट करेगा, स्वर की क्षमता। बच्चे स्वर की क्षमता ये कह सकते हो, आपकी स्वर क्या बनाना, मतलब स्वर की क्षमता, हाँ यही कह सकते हो, स्वर की क्षमता, ठीक है, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। और कंपोजर होता है संगीतकार। सहानुभूति, धुन, धुन बनाना, बिल्कुल आप ये कह सकते हो, धुन, सिम्फोनी से धुन। किस में कंफ्यूज है, टाइप ऑफ साउंड, बिल्कुल सही कहा आपने, टाइप ऑफ साउंड तो संगीत का, तो बच्चा टाइप ऑफ पेंटर, जो पेंटर होगा वो किसका होगा, तो बच्चा जो पेंटर होता है वो क्या होता है। शुभम मुझे ये बताओ कि ए आंसर क्यों आएगा, आर्ट क्यों आएगा, आर्ट का मतलब क्या होता है, कला, आर्ट का मतलब होता है आपका कला, कंपोजर का मतलब होता है आपका संगीतकार, फ्रेस्को का मतलब क्या होता है, कभी आपने सोचा कि फ्रेस्को, आप क्यों आंसर नहीं दे रहे हो मेरे को, फ्रेस्को का मतलब क्या होता है, फ्रेस्को का मतलब होता है बच्चा भित्ति चित्र, जो आपका ये भी आपका क्या होता है, चित्र बनाया जाता है, क्या होता है बच्चा, भित्ति चित्र। आर्ट मतलब होता है बच्चा आपका कला, ठीक है। अब तो बता दो इसका आंसर क्या आएगा, सपना कुमारी, रितिका, अविनाश, बच्चा नेक्स्ट क्लास का मेरे को अभी पता नहीं है, सपना आप रहने दीजिए अब, अच्छा 5 मिनट कर लो, फिर 5 मिनट आपके से बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है। हेलो चक्षु, बड़ी लेट आयो क्लास, इमेज तो मिरर पे ही बनती है, इमेज तो मिरर पे ही बनती है निखिल, बच्चा वो रिफ्लेक्शन होता है, वो आपका भ्रम नहीं है, वो आपका भ्रम नहीं है, वो आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है निखिल, यदि आपको दूर से वो पानी दिख रहा है तो वो आपका भ्रम है, ठीक है। देखो भाई सुकेश, आपको मैं नंबर दे देती हूँ, 8445103368, ये नंबर है आपका, ठीक है, बिल्कुल। आकांक्षा, जो फ्रेस्को है वो क्या है, फेमस पिक्चर टाइप है, तो बच्चा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पेंटर, उसको बच्चा जो भित्ति चित्र होता है ना, यदि आप उसको, यदि आप गूगल पे सर्च करोगे फ्रेस्को, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे आपका चित्र होता है, वॉल पे जो ड्रॉ होती है, बिल्कुल बच्चा जो वॉल पे ड्रॉ होती है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, अब तो बता दो, अब आपने इतना सब कुछ बता दिया तो अब तो इसका आंसर बता सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा, फ्रेस्को इज एन आर्ट ऑफ पेंटिंग दैट इज डन ऑन फ्रेशली स्प्रेड मॉइस्ट लाइम प्लास्टर, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो आएगा ए, जो पेंटर करता है, जैसे मान लीजिए मेरी इस दीवार पर क्या हो रहा है, आपकी फ्रेस्को जैसी क्या बन रही है, आपकी वो बन रही है, मतलब वो बन रहा है, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत अच्छी कारीगरी करी, तो वो किसने करी, पेंटर, तो बच्चा फ्रेस्को विल बी द करेक्ट आंसर, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आएगा आपका ए ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसा दिखता है, मुझे पता था कि इसका आंसर कोई भी सही नहीं देगा, मुझे पता था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के लिए टाइम पे आपको व्यतीत किया, बिल्कुल वॉल पेंटिंग, तो आपका इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड रिंग वॉर्म। सपना तो थक गई आज की क्लास में, बच्चा देख मैं नहीं थकी जबकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो तुम कैसे थक सकते हो, कभी आपने सोचा कि मतलब एक टीचर आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता है, वो बिना सोचे समझे आपको पढ़ाता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती पढ़ाने में, मुझे कोई कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन कभी कभार ना दुख सा हो जाता है बच्चा, जैसे इन्फ्लुएंजा होता है, जो बच्चा इन्फ्लुएंजा होता है वो क्या होता है, इज कॉज्ड बाय वायरस, वो वायरस के चक्कर में होता है, तो बच्चा उसी प्रकार जो रिंग वॉर्म होता है बच्चा वो किसकी वजह से होता है, जो रिंग वॉर्म होता है इज कॉज्ड बाय फंगी, तो बी ऑप्शन क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा चक्षु, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, ऋषभ, अनिरुद्ध, अमित्रेश, सुकेश कुमार, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एनॉय, डिस्ट्रेस, हरास एंड रिवेज। सौरभ, अविनाश, कुसुम, सृजन, प्रणव, दिव्या, नेहा पांडे, जानवी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यदि मैं इस 14 क्वेश्चन के बारे में यदि मैं बात करूं, तो रिवेज इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर।
अच्छा एनॉय मतलब क्या होता है? परेशान करना, किसी को परेशान रहना, पूरा एनॉइंग उसमें रहना, ऐसे मतलब सड़ा मुंह बना के, डिस्ट्रेस इज परेशान, हैरेस इज परेशान। रिवेज मतलब क्या होता है बच्चा, आप मुझे कोई ये बताएगा रिवेज मतलब क्या होता है? ये बहुत डिफरेंट वर्ड है। तो रेज मतलब होता है आपका नाश या लूट हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्डल, डिजीज, बैरियर एंड ऑब्स्टेकल। बैरियर क्या होता है? बैरियर क्या होता है बताओ? जैसे पुलिस लगा देती है, बैरियर लगा देती है, ठीक है। ऑब्स्टेकल क्या होता है? बाधा। हर्डल क्या होता है? हर्डल मतलब भी क्या होता है? बाधा होता है। लेकिन डिजीज क्या होता है बच्चा? इन सबसे बिल्कुल अलग है। तो माही, कुसुम, सपना, डोरेमोन, दीप, अमित, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी क्या आएगा? बिल्कुल राइट, क्योंकि इसमें क्या होता है? रोक देना, हर्डल मतलब रोक देना, हर्डल है सामने, मतलब हमें जाने की अनुमति नहीं, बैरियर लग रहा है, ऑब्स्टेकल है, नहीं जा पा रहे, बाधा आ गई है हमारे बीच में। तो क्या आएगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस्टर। चलो इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चूज द ऑड वर्ड आउट। आपको ये बताना है इनमें से अलग क्या होगा। सोल्जर, बराक, प्रिंसिपल, स्कूल, आर्टिस्ट, रूप, सिंगर एंड चोर। बताइए इस क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कई बार मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, है ना। हे भगवान बच्चा, देखिए सोल्जर, सोल्जर का जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है बराक, आर्टिस्ट के ट्रूप, सिंगर को चोर। लेकिन बच्चा जो प्रिंसिपल वो स्कूल में रहते हैं, उसका कोई ग्रुप नहीं होता। तो बी ऑप्शन क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा इसका, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपके एनालॉगी से रिलेट करता है, तो फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर एनालॉगी। जो रिलेशन आपका इसमें फॉलो हो रहा है तो वह रिलेशन इसमें कैसे फॉलो होगा? चलिए बताइए। देखो बस क्या कर दिया, यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐड कर दिया, ठीक है, और इसका जो है बच्चा वो हमारा यहाँ पे इसे बना दिया, ठीक है। सेम बच्चा यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूँ तो बच्चा यदि इसमें हम ऐड करेंगे तो कैसे कर देंगे? ऐसे, ठीक है। यदि हम इसमें ऐसे ऐड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा हमारा इसमें सी ऑप्शन। वैसे मुझे ऐसा लगता है इसमें सी ऑप्शन की जगह उल्टा कर दिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दिव्या वो बनेगा आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का आंसर बताइए। 20 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आपको बताना है कि कैसे बनेगा, बताइए बताइए। देखिए आराम से, के बाद एल, सीरीज है ये। यदि ये सीरीज है तो बता क्या आ रहा है? के बाद एल आ रहा है, एल के बाद एम आ रहा है, तो एम के बाद क्या आएगा? एन आएगा। यदि एम के बाद एन आएगा तो कौन सा एन आएगा? आप ये बताओ कौन सा एन आएगा? एन आएगा तो बच्चा इन दोनों में से जो एन बनेगा वो क्या बनेगा आपका? ऐसे बनेगा। यदि एन ऐसे बनेगा तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है, ऐसे मतलब ऐसे टेढ़ा बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो इसमें कैसे बनेगा? एन ऐसे बनेगा, जो कि सिर्फ आपके सी ऑप्शन में है। तो ऋषभ, अविनाश, श्याम शर्मा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत मजा आया आज की क्लास में, मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि आज की क्लास में हमने पूरे, आप ये कह सकते हैं, 2 घंटे हमने कंप्लीट करे, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज की क्लास में हमने करें। तो फटाफट से सबसे पहले जिन्होंने लाइक नहीं करा है सेशन वो लाइक कीजिए, देन उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है वो सेशन को लाइक कीजिए, एंड जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई ये बताइए आप लोगों को सेशन कैसा लगा, और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए थे। प्रणव, सौम्या, दिव्या, कुसुम, श्याम शर्मा, मैम सी ही होगा, जो कलर होगा वो भी तो चेंज होगा 19 क्वेश्चन में। हाँ बच्चा सी ही तो मैंने बताया, उस क्वेश्चन में सी ही होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है अब आपको, क्या मजा आया? बहुत मजा आया क्वेश्चन करके, मेरे को तो बहुत मजा आया आप लोगों को करा के। बीच में हमारा नेट भी बंद हो गया, मैम सी नहीं हो, बच्चा सी नहीं होगा, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सी के अलावा।
मैं मानती हूँ कि सी नहीं होगा क्योंकि ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं इसमें हमें क्या देना चाहिए था, यहाँ पे इसे भरना चाहिए था और यहाँ पे ये हमारा भरा होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, ये गलत टाइप से भरा हुआ है। ये हमारा यहाँ पे भरना चाहिए था, यहाँ पे ये हमारा। तो बच्चा मैं मानती हूँ कि सी भी गलत है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हमें सी को राइट करना पड़ रहा है, ठीक है। वैसे आपका सी भी क्या है, आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब आपका एक ऐड हुआ है, इसके अपोजिट जैसे आपका ऐड हुआ है, तो देखो ये आपका यहाँ पे है, ठीक है बच्चा। इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं बच्चा, सी भी हो सकता है। देखो कैसे, यहाँ पे हमने कलर किया और इसको अपोजिट किया, तो बच्चा जैसे हमने इसको अपोजिट किया, ऐसे किया, तो ऐसे करने के बाद हमारा कलर यहाँ पे भी भरा जाएगा, ठीक है, क्लियर है, मजा आया। अरे भाग्यश्री अभी कहाँ खाना खाऊंगी, अभी मेरे को बनाना पड़ेगा, बनाने में मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे, तो अभी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं 3 बजे के बाद सीधा सीधा खाना खाऊंगी। हाँ बिल्कुल मोहम्मद, जो आपको लॉजिक सही लगे, यदि आपका लॉजिक सब में फिट हो रहा है तो वो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, तो भाई सेशन को लाइक किया, देखो लाइक किया नहीं करा, मेरी क्लास के बच्चे ऐसे हैं कि बिना बोले कुछ नहीं करते। भाग्यश्री बीच में तो तुम गायब हो गई थी, अब कैसे आ गई, और एक बच्चा डिसलाइक भी करके गया है, समझ में नहीं आते डिसलाइक क्यों करते हैं, एंटरटेनमेंट कोई ना चल रहा है। चलो दिवाकर यहाँ पे मैडम भी बैठी, उसे भी बाय कर सकते थे, ग्रेट सेशन, मज़ा आया, चलो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों को आज पढ़ा के। एंड देन सेशन मेरा 1 बजे वहाँ पे पेड क्लास में भी है, तो मैं जाती हूँ अब, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, एंड अच्छे से रहना, घर पे रहना, मस्त रहना, चिल करना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पढ़ाई को करते रहना, ठीक है। चिल का मतलब गलत मत लेना, ये सब मस्ती टाइम, ठीक है। आर्यंस ग्रुप कैसे भाई, लेट आए हो बच्चा, ये आपका आंसर नहीं दिखा मेरे को, ठीक है। चलो ऋषभ एंड आर्यन बहुत अच्छा लगा, अविनाश, सुकेश, चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, जय हिंद माही, अपना ध्यान रखना। चलिए दुख हो रहा है छोड़ के जाने में, लेकिन जा रही हूँ मैं क्लास को यहाँ से आपको बंद करके, एंड देन उसके बाद जिवेश सर आपकी क्लास लेंगे 1 बजे, देन उसके बाद आपके बीडी सर आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, जय हिंद स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा, एंड ये अब बंद हो जा।